प्यार का प्रॉब्लम क्या है ना कि जब तक उसमें पागलपन ना हो। कैसी है ऋतिक रोशन, करीना कपूर और रानी मुखर्जी की फिल्म मुझसे दोस्ती करोगे? यह जाने फिल्म का रिव्यू अजाने कहा देखी से फ्री में। मुझसे दोस्ती करोगे तीन बचपन के दोस्तों राज, टीना और पूजा की कहानी बताती है। जब ये सभी बच्चे हो गए तो राज और उसका परिवार लंदन जाने के लिए भारत छोड़ देते हैं। लंदन जाने से पहले राज, टीना और पूजा आखिरी बार मिलते हैं। इस मुलाकात के दौरान राज ने टीना से उसे लिखने के लिए कहा। टीना का मन कहीं और है और वो विचलित मन से सहमत है। पूजा भी राज को लिखना चाहती है, फिर भी राज की नजर केवल टीना पर है। जब राज का पहला ईमेल आता है तो टीना और पूजा उसे एक साथ पढ़ते हैं। पूजा टीना को वापस लिखने के लिए कहती है, लेकिन टीना को कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए पूजा टीना के नाम का उपयोग करके हस्ताक्षर करते हुए वापस लिखती है। पूजा अपने पात्रों के माध्यम से ये दिखावा करती रहती है कि वो टीना है और राज के साथ उसकी दोस्ती बढ़ती जा रही है। 15 साल बाद राज और उसका परिवार 2 सप्ताह की छुट्टियों के लिए भारत लौटे। पूजा टीना को पत्र के बारे में बताती है और टीना ये दिखावा करने के लिए सहमत हो जाती है कि उसने पत्र लिखे है। राज को टीना से बिना देखे ही प्यार हो गया है। 2 हफ्तों के दौरान राज टीना को अपने प्यार में फंसाने की कोशिश करता है, जैसे कि वो उसके प्यार में पड़ गया हो। पूजा को राज से प्यार हो गया है, लेकिन वो अपनी भावनाओं को अपने तक ही सीमित रखती है। राज को वो करीबी दोस्त बन जाते हैं और उसे पता चलता है कि वो उसकी कई रुचियों को सजा करती है। हालांकि उसे संदेह नहीं है कि पत्र वास्तव में टीना द्वारा लिखे गए थे। इस बीच राज के पिता देखते हैं कि राज टीना के प्यार में कितना गिर गया है और टीना से उसकी शादी तय कर देते हैं।
टीना ये खबर सुनती है और तुरंत ही राज से प्यार करने लगती है। दो सप्ताह के बाद राज और उसका परिवार लंदन लौट आए। कुछ ही समय बाद पूजा एक यूनिवर्सिटी के लिए इंटरव्यू देने के लिए लंदन पहुंचती है। वो वहां राज से मिलती है और उसे लंदन के दर्शनीय स्थल दिखाते हुए पत्रों के पीछे की सच्चाई का पता चलता है। पूजा राज के लिए अपनी भावनाओं को कबूल करती है और ये सभी को सच्चाई बताने के लिए भारत वापस जाने का संकल्प लेते हैं। हालांकि भाग्या हस्तक्षेप करता है और उनके आगमन पर उन्हें पता चलता है कि टीना के पिता की मृत्यु हो गई है। पूजा को एहसास होता है कि अगर उसने राज को उसके बारे में सबको बताया तो टीना कुचल जाएंगी, क्योंकि वो उसके पास कोई पिता या माँ नहीं है। पूजा क्यों करेगी? क्या वो दोस्ती के लिए अपने प्यार का बलिदान देगी? उनके सपनों का राजकुमार किसे मिलेगा, टीना या पूजा? अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का पूरा रिव्यू आ जाने कहा देखे इसे फ्री में। यदि आप जिसे प्रेम करते थे वो वास्तव में वो ना हो जिससे आप प्रेम करते थे तो आप क्या करेंगे? यदि आपका सबसे अच्छा दोस्त उसे प्यार करता हो जिससे आप प्यार करते हैं तो आप क्या करेंगे? अगर आपको पता चले कि आपके सबसे अच्छे दोस्त आपके लिए अपना प्यार त्याग रहे हैं तो आप क्या करेंगे? राज पूजा और टीना से मिले, ये तीन सबसे अच्छे दोस्त हैं और उस समय परिस्थितियों में फंस गए। पात्र प्यार और अलगाव ने उनके लिए हालात पैदा कर दिए। एक दोस्ती जो शिमला में सुरम्य पहाड़ी शहर में शुरू होती है और लंदन में खत्म होती है, या यूं कहे कि जारी रहती है। राज पूजा और टीना की तरह अपने मूल्यों में पारंपरिक फिर भी जीवन के प्रति अपनी दृष्टिकोण और दृष्टिकोण में आधुनिक। हॉलीवुड की एक झलक बिल्लियों और कुत्तों के बारे में सच्चाई, कुछ कुछ होता है का एक छोंक और कुछ हद तक साजन। बेशक इसमें हम आपके हैं कौन की झलक भी है, K3G का एक छोटा सा अंश भी ये मुझसे दोस्ती करोगे का सारांश देता है, जो पिछले महीने के समाचार पात्रों की तरह ताजा है। कई फिल्मों की खिचड़ी मुझसे दोस्ती करोगे मुख्य रूप से उस महत्वपूर्ण विभाग में प्रभावित होते हैं जो किसी भी फिल्म स्क्रिप्ट की जीवन रेखा होती है। फिल्म की कहानी, पटकथा और संवादों का श्रेय लेने वाले निर्देशक कुणाल कोहली ने सफल फिल्मों से उधार लेकर आसान रास्ता चुना है और यही इसका नुकसान हो रहा है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नया या नवीन नहीं है जिस पर मुझसे दोस्ती करोगे दावा कर सके। एक ही लड़के से प्यार करने वाली दो सहेलियों की जो दिलचस्प प्रेम कहानी हो सकती थी वो स्क्रिप्ट में पूर्वानुमेयता के कारण खत्म हो जाती है। निरस होने के अलावा शायद ही कोई यादगार क्षण हो जिसे दर्शकों शो समाप्त होने के बाद घर ले जाए। पहले भाग में कुछ दिलचस्प क्षण है। ऋतिक और रानी के बीच संवाद और ऋतिक के शिमला लौटने के दृश्य को भी उजागर किया जा सकता है। निस्संदेह उन्हें अच्छी तरह से संभाला जाता है। कहानी तब तक सहज गति से आगे बढ़ती है जब तक ऋतिक को चर्च में सच्चाई का पता नहीं चल जाता, लेकिन दुर्भाग्य से फिल्म दूसरे भाग में पूरी तरीके से कमजोर हो जाती है। सीक्वेंस पूर्वानुमानित होने के साथ साथ लंबे हैं और कहानी इतनी खींची गई है कि दर्शक अधीर होने लगते हैं। इस बिंदु पर फिल्म भी काफी चर्चा में है। इसके अलावा चरमस्कर्ष रानी के माथे में अचानक सिंदूर गिरने के साथ शायद एक प्रेम त्रिकोण में देखा गया सबसे हास्यास्पद अंत है। इससे पहले चार लोगों ऋतिक, रानी, करीना और उदय से जुड़े अनुक्रम को परिपक्वता के साथ संभाला जा सकता था। निर्देशक कुणाल कोहली ने कुछ दृश्यों को संवेदनशीलता के साथ संभाला है, लेकिन आजमाई हुई और परखी हुई चीजों पर बहुत अधिक भरोसा किया है, इतना कि परिणाम कठिन है। तकनीकी रूप से कहे तो उनका शॉट निष्पादन बिल्कुल औसत दर्जे का है। कोई कैसे चाहेगा कि पुराने फिल्म निर्देशक आलोचक किसी भी बातों पर इतना अधीर भरोसा करने के बजाय अपनी पहली फिल्म के लिए कुछ नया और मौलिक लेकर आया होगा। फॉर्मूला युक्त वसी चीज। राहुल शर्मा का संगीत तक और दुखदायी मुद्दा है। यशराज फिल्म हमेशा से यादगार संगीत के लिए जाना जाता है, लेकिन इस मामले में जाने दिल में कब से हूँ तो
तो छोड़कर फिल्म की कोई भी गाना जिक्र लायक नहीं है। उदाहरण के लिए पैरोडी इतनी लंबी है कि प्रभाव खत्म हो जाता है। दरअसल एक मजबूत संगीत स्कोर की कमी एक और कारक है जो फिल्म को नीचे ले जाती है। सिनेमाटोग्राफी ठीक ठाक है, संवाद उपयुक्त है, मुझसे दोस्ती करोगे स्पष्ट रूप से रानी मुखर्जी की है, जिनकी तुलनात्मक रूप से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। अभिनेत्री उस भूमिका में शानदार है जो उन पर बिल्कुल फिट बैठती है। ऋतिक रोशन वही करते हैं जो वो अपनी पहली फिल्म के बाद से करते आ रहे हैं। आपकी प्रसिद्ध मुस्कान, डिजाइनर पोशाकों में आकर्षक दिखना और असाधारण रूप से अच्छा नृत्य, ये इसके बारे में। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। पहले सेंटर में देख लीजिए, सेंटर 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 में मैम, मैम सेंटर, मैम मैम सेंटर, मैडम जी सामने, मैम एकदम सामने, मैडम जी मैम सेंटर, मैम सेंटर, मैम लोग थोड़ा पीछे होना भाई, आगे भाई, थैंक यू मैडम, पीछे तो मैम पीछे। अरे क्या कर रहे बांटम जी, क्या अरे हटो यार, कैसे हो? सेंटर में, सेंटर में रकुल जी सेंटर, रकुल जी इधर, रकुल 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 सोने का सर बिजी है, सोफी जी थोड़ा सेंटर में, बस कैसे हो मैम? बस बढ़िया, यहाँ पे, यहाँ पे सोफी, सोफी सेंटर, सोफी जी लुक सेंटर, लुक सेंटर, सोफी जी इधर, इधर सोफी जी आपके सामने, सोफी जी एक बार यहाँ पे, सोफी जी इधर देखिए, सोफी जी यहाँ पे, यहाँ पे राइट साइड पे, यहाँ पे, यहाँ पे रुक जाइए, सोफी जी लुक हियर, समोर मैम इधर, समोर 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 एकदम सेंटर में, प्रज्ञा जी यहाँ पर, प्रज्ञा 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 सेंटर, प्रज्ञा जी यहाँ पे, यहाँ पे प्रज्ञा जी यहाँ पर, प्रज्ञा सिर्फ सेंटर में देखिए, प्रज्ञा जी लेफ्ट में, प्रज्ञा जी यहाँ पे, प्रज्ञा जी यहाँ पर, वेट 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 वेट, थैंक यू थैंक यू मैम,
भाई यहाँ पे भाई भाई सामने भाई राइट में सामने आपके भाई सामने भाई सामने आपके हाँ निकल जाओ इधर नेट नहीं चल रहा है सब प्रॉब्लम है चला जाओ भाई क्या रोल था आपका भाई यहाँ पे भाई यहाँ पे एकदम सेंटर में भाई सेंटर में देखिए भाई यहाँ पे सेंटर कार्ड भाई चलो ग्रुप फोटो और बैकअप आगे बाजे बाजे थोड़ा पीछे मेरे भी पीएम में मोबाइल लेते मोबाइल लेते सेंटर में आइए शेर भाई शेर भाई भाई आप सेंटर में आइए ऐसे नहीं वैसे शर्ट और सामने बस घर लेके जाएगा Yeah, what are we looking at?
सेंटर देखिए नुपुर पीछा ना मोल एक बार राइट में एक बार लेफ्ट में फिर जाएंगे नीचे जाओ अच्छा सर हमारा विजुअल कर साइलेंस एक मिनट दो ये बोलता है कि इधर दिवांग यहाँ पे देख एक वापस कूल अब क्या करना है खाली ऐसे खड़े हो क्वेश्चंस कोई पूछेगा सोलो विजुअल सोलो कर ली अरे यहाँ पे जाने पर अरे आप कितने अंडरस्टैंडिंग और अकोमोडेटिव हाँ बस बस वेट वेट यहाँ पे ये मोबाइल पर अच्छी कर दो ना दू श्री श्री शू You're looking into camera or at him? मैं तो इन पे देख रही थी, पर अच्छा मैं कैमरा देखूंगी, सॉरी। ओके।
पहले आई एम सो गुड टू सी बोथ ऑफ यू। थैंक यू। जब किसी भी शो का अनाउंसमेंट हो जाता है लोगों में एक्साइटमेंट बढ़ जाती है और शो डिले होने लगता है तो लोगों में ये सवाल उठते हैं कि क्यों डिले हो रहा है, क्यों डिले हो रहा है। और फाइनली जब अब शो का डेट रिलीज हो चुका है लोगों में वापस बस बन गया है तो आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज ये चीज़ बताइए आप लोगों को ये चीज़ कितनी रिस्पॉन्सेज मिले जब शो के डेट की अनाउंसमेंट हुई। मेरे ख्याल से जब शो आने वाला होता है एक तय तारीख पर तो लोगों को उसका इंतज़ार होता है, लेकिन जब उसका डिले होता है आने में थोड़ी देरी हो जाती है तो वो मोस्ट अवेटेड शो बन जाता है। तो हमारा शो भी ऐसे मोस्ट अवेटेड हो गया है। एंड हाँ, आर फॉलोअर्स, पीपल हु लव अस, वो बहुत एक्साइटेड है। सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, इनफैक्ट मुझे बार बार पूछते रहते थे एंड आई वॉज लाइक सो क्लूलेस। ये जो टेक्निकल जो भी डिफ़िकल्टीज आई मुझे नहीं मालूम था लोगों को क्या जवाब दूँ, अब शुक्र है एक जवाब मिल गया है। हाँ, कि हम अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का वेट कर रहे थे कि उसका रिजल्ट क्या होगा, उसके बाद हम रिलीज करें। जाहिर सी बात है, सही वक्त होना ताकि वो लोग भी आराम से देख सकें। बिकॉज ट्रंप साहब ने कहा था कि नहीं आई वुड लाइक टू वॉच दिस शो, तो यू नो वी सेड लेट फिनिश कर लो इलेक्शन। ये सवाल तो ऑडियंस की तरफ से आ गया था, इसका जो ऑडियंस के लास्ट में था व्हाई ये डिले क्यों हुआ अभी बताया ना मैंने आपको। ओके फाइन सर, काफ़ी जादू फैला दिया आपने ट्रेलर दिखा के लोगों में, अपने जादू में कैद कर दिया लोगों को, पर अपने थ्रू ऑडियंस को बता दीजिए आप दोनों की किस किस किरदार में आप लोग दिखने वाले। द मैजिक ऑफ शीरी में मैं शीरी श्रॉफ के किरदार में नजर आऊँगी और मैं असल में एक हाउस वाइफ हूँ इसमें, पर एम्बिशंस हैं मेरे कुछ और ये सिर्फ एक रेगुलर सी कहानी नहीं है कि किसी को कुछ बनना था और वो बनने के लिए कुछ किया। इट्स अ ब्यूटिफुल स्टोरी अबाउट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स और दिल्ली की कहानी है, पंजाबी सेटअप है, लाइक शीरी श्रॉफ इज पंजाबी चाइल्ड, लाइक बाय बर्थ शी इज़ पंजाबी एंड बड़ी प्यारी सी कहानी है। स्पेशली हम लोगों का जो रिलेशनशिप है एक मेंटोर एंड मेंटी का, वो बहुत ही खूबसूरती से शेप अप हुआ है। बाकी सर आप बताइए। नहीं, ऑल्सो क्या है, नेसेसिटी बिकमिंग द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी कि किसी मजबूरी से इनको कोई कदम उठाने पड़ते हैं और वो कदम इनके एक बचपन के ख्वाब से जुड़ जाते हैं एंड उनको लगता है कि अब मैं अपने पर फैला के थोड़ा उड़ सकती हूँ। सो कॉम्प्लिकेटेड भी है लेकिन एक खूबसूरत कहानी है कि एक माँ, एक बीवी, एक बहू और एक शिष्य, ये सारे रोल शीरी को निभाने पड़ रहे हैं और कैसे बैलेंस रखना इन सारे किरदारों को, तो एक खूबसूरत कहानी। और मेरा किरदार जादूगर सलीम का है जो इनके जो ख्वाब होते हैं उनको पूरा करने के लिए मैं एक माध्यम बनता हूँ, एक रास्ता बनता हूँ और फिर मेरी ज़िंदगी में कैसे बदलाव आते हैं, वो इमोशनल बदलाव जो ये लेके आती हैं, एक कॉन्फिडेंस जो मैं एक बहुत नेगेटिविटी में चला गया था कैसे मैं पॉजिटिविटी में आता हूँ, तो ये मेरी जर्नी इनके साथ है। बाकी तो और बहुत प्यारी सी कहानी है। वीरेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे कि दो सवाल आपसे कि जिस तरह से हम बचपन में कोई चीज़ नोटिस करते हैं बट उस समय नहीं उसके बाद कोई चीज़ काम आती है, जैसे बचपन में आपने सर्कल देखा होगा, म्यूजिशियन को देखा होगा, इस फिल्म में इस शो में आप कितना वो चीज़ काम आया क्योंकि उस किरदार में आप गई। और सेकंड क्वेश्चन ये था कि नॉट फ्रॉम पंजाबी बैकग्राउंड, आपने पंजाबी भी ट्राई की, तो वो दोनों में क्या डिफरेंस है? मुझे लगता है मैजिशियन बनना या पंजाबी बनना, दोनों में से क्या ज़्यादा डिफ़िकल्ट था? पंजाबी बनना। क्योंकि मैं बड़े सटल से बैकग्राउंड से आई हूँ, भोपाली हूँ और शुद्ध हिंदी में बातचीत करती हूँ, तो एक तो वो बोली पकड़ना, पंजाबी पकड़ना, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। तो उसके लिए भी मैंने न जाने कितनी अपनी स्क्रिप्ट्स को लेके न जाने कितनी रीडिंग्स की, कितने रिहर्सल्स किए, लोगों को सुनाती थी जो एक्चुअल पंजाबी लोग होते थे, उन लोगों को, मेरे फ्रेंड्स थे ऐसे कुछ, उन लोगों को बोल बोल के सुनाती थी बताओ बताओ, एंड देन आई वुड रिकॉर्ड माई सेल्फ और अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग्स उन्हें भेजती थी। सो वन वॉज दिस एंड देन ऑल्सो फॉर जहाँ तक बात आती है कि बचपन का, बहुत अफरा तफरी मची हुई है, क्या हो गया गरिमा? Somebody should be in charge. ये जो आराम से आ रहे हैं जा रहे हैं, दरवाज़ा खुला है बाहर की जी,
बात बचपन की जाए तो बचपन में तो न जाने कितने मैजिक शोज देखे हैं मैंने, और आई यूज़ टू बी अ फैन ऑफ द, न सिर्फ मैजिक शोज, सर्कस भी. और इस शो के बाद कमाल की एक चीज़ ये हुई कि मैं चंडीगढ़ गई हुई थी और वहाँ पे एक सर्कस लगा हुआ था, तो मैं विथ फैमिली, मम्मी पापा माई सिस्टर इन लॉ माई हस्बैंड, हम सब गए, हमने सर्कस देखा एंड देन आई इंटरेक्टेड विद देम, देयर जगलिंग एंड ऑल द ट्रिक्स दैट दे वर डूइंग, इट वॉज फैसिनेटिंग, इवन मोर फैसिनेटिंग आई शुड से, क्योंकि अब जब मैं शो करने वाली थी तो मुझे उनसे कुछ सीखने को मिल रहा था. एंड दे ऑल्सो टोल्ड मी दैट हाउ मच ऑफ सैक्रीफाइस गोज इन टू दिस आर्ट, और वो कैसे पूरे समय, लाइक मैंने उनसे पूछा आप प्रैक्टिस कब करते हैं, कहते हैं जब परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तब प्रैक्टिस कर रहे हैं, बस वो एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं और सिर्फ प्रैक्टिस ही करते रहते हैं. तो ये जो सैक्रीफाइस की कहानी है, ये कहीं ना कहीं शीरी और सलीम, जादूगर सलीम के की ज़िंदगी में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इन्होंने भी इस कला को पाने के लिए कई सारे सैक्रीफाइस किए हैं. जोकर, उनकी जो पर्सनल कहानियाँ थी काफ़ी बताई जाती थी, काफ़ी कुछ सीख भी मिलती थी. मेरा नाम जोकर हो गया, फिर हेरा फेरी में भी वो यूज़ किया था पूरा सर्कस का, तो भी कई सारी चीज़ें दिखाई थी. लेकिन ये काफ़ी महीनों, काफ़ी टाइम बाद आ रहा है ऐसे कि सर्कस या फिर मैजिशियन पे कहानी दिखाई जा रही है, तो आप कितना, आपका क्या इस पर ओपिनियन है? एक तो क्या है, मैजिशियन मेरा नाम जोकर अलग थी, वो सर्कस की कहानी, बाकी तो हेरा फेरी में इतना कुछ था नहीं. मेरा नाम जोकर, यस, वाज अबाउट अ सर्कस. ये एक मैजिशियन जो थोड़ा अलग है सर्कस से, और ख़ास तौर पे एक महिला मैजिशियन जो मैंने तो अपनी ज़िंदगी में देखी नहीं थी. अब आजकल कोई होंगी, लेकिन हम जब बढ़ रहे थे, पल रहे थे उस 90s, 80s, 70s, whatever, उस वक्त कोई था नहीं. तो ये 90 के दशक की कहानी है, तो ख़ास तौर पर उस वक्त देखा ही नहीं जाता था. तो वो भी डील कर रही हैं के नवेरी, और ख़ास तौर से दिल्ली में तो भाई मेल काइंड ऑफ डोमिनेटेड सोसाइटी इन अ वे, और वहाँ पे एक महिला और वो भी मैजिक में आना चाह रही है, तो एवरीबडी गॉट द ईगोस. तो ये जोन बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैजिक, महिला, दिल्ली, वेरी मेल सेंट्रिक, मेल डोमिनेटेड पेट्रियार्कल सोसाइटी, और उसमें ये इस कहानी का बनना और इसकी जो इसका जो सफ़र है शीरी का, तो आई थिंक है, इट इज़ अनयूजुअल. पहले इस जोन में मैंने देखा नहीं है कोई कहानी, तो पहली बार ऐसी कहानी आ रही है एज फार एज आई कैन रिकॉल. दिव्याका जी, आपको मोस्टली सब लोग मोहब्बत से जानते, लेकिन मैं जब आपका फर्स्ट शो देखी थी इस टाइम मिस शर्मा इलाहाबाद वाले, तो आपने रश्मि शर्मा का रोल किया था, फिर उसके बाद डॉक्टर ऋषिता, आपका जो बिहेवियर है उसमें थोड़ा सेम है लेकिन कैरेक्टर काफ़ी अलग है, आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहता है वो काफ़ी अलग है, और इसमें भी आप ये जो शो आ रहा है इसमें भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफ़ी अलग है. आप एक वूमेन है, आप एक माँ है, आप एक पत्नी है, उससे अक्रॉस आपको एक अपना ड्रीम भी कम्प्लीट करना है, तो ये जब रियल लाइफ से कनेक्ट होता है तो वो कितना चैलेंजिंग होता है पर्सनल लाइफ में ऐसे ही कुछ, क्योंकि आप अभी ऑलरेडी मैरिड है और आप आर्टिस्ट भी, तो कितना मुश्किल होता है बैलेंस करना अपनी पर्सनल लाइफ और ये. Jimmy replying to the camera, I'm just saying this. I'm replying to the camera, ji. मैं उन्हें समझने की कोशिश कर रही थी. बड़ा question है ये. तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो मैं अलग अलग किरदार निभाती हूँ उन्हीं की तरह मैं असली लाइफ में बैलेंस कैसे करती हूँ अपनी लाइफ में. थैंकफुली मुझे इतने पावरफुल रोल्स मिले हैं अब तक, जैसे एक ये है मोहब्बतें में इशिता थी, या फिर मिसेज मिस्टर शर्मा इलाहाबाद वाले में एक रश्मि शर्मा थी जो अलग ही इलाहाबाद और यूपी की तरफ की एक्सेंट लेकर आई थी, और वहीं फिर और भी जो किए कैरेक्टर्स. एक चीज़ रही कि एज अ वुमन, एज अ होम मेकर, आई वाज ऑलवेज बैलेंसिंग आउट थिंग्स, बट इज़न्ट दैट व्हाट ऑल ऑफ अस डू, हम सब, एंड मैं सिर्फ औरत तक इस बात को नहीं रखूँगी, मैं कहूँगी औरत हो या मर्द हो, कहीं ना कहीं हम सब अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी को, अपने आसपास के लोगों को बैलेंस करने की, उनके इमोशंस का, उनके इमोशंस का ख्याल रखने की कोशिश कर रहे होते हैं, सैक्रिफाइसेस भी कर रहे होते हैं कई सारे, और वही सब ये बंदी भी कर रही थी शीरी. और मेरे ख्याल से शीरी का अपने ज़िंदगी से अगर मैं कोई भी तालमेल बैठाऊँ, कहीं कहीं तक सही है, कहीं तक बहुत गलत भी है, क्योंकि शीरी की अपनी ज़िंदगी है. शीरी एक इंसान, मेरे लिए तो वो एक इंसान है,
और मैं उस इंसान की ज़िंदगी जी रही हूँ। तो मैं जब एक कैरेक्टर प्ले करती हूँ तो मैं कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को बिल्कुल अलग कर देती हूँ। मैं भूल ही जाती हूँ कि मैं शादीशुदा हूँ, मैं मेरा बच्चा है या नहीं है, इट ऑल बिकम्स सेकेंडरी। उस समय बस वो एक ज़िंदगी होती है। तो वहीं मैं जब शीरी की लाइफ जी रही थी, शी डिड बैलेंस फ्यू थिंग्स रियली वेल, बट शी ऑल्सो मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स एंड शी वॉज ऑल्सो अ वेरी कन्फ्यूज पर्सन। सो माई लाइफ एट टाइम्स रिलेट्स विद हर, एट टाइम्स इट डजंट, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ प्लेइंग अ कैरेक्टर। सर, इतनी बेहतरीन बेहतरीन किरदार देने के बाद लोग ये जानना चाहते हैं कि आप अपनी स्क्रिप्ट कैसे डिसाइड करते हैं, क्योंकि जो भी आपने किरदार निभाए हैं लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आ गया है, तो आप उन लोगों की एक्सपेक्टेशन आपको लेके आगे भी बढ़ जाती है कि उसी तरह की इमेज सर की हमारे मन में बैठी है, तो वो इमेज बरकरार रखने के लिए आप अपने आप को कितना प्रिपेयर करते हो? सर, आप स्क्रिप्ट कैसे अपनी? मैं इमेज को नहीं देखता, मैं कोई इमेज नहीं डालना चाहता हूँ ऑडियंस पर। मैं ये सिर्फ ये है कि ऑडियंस ये कहे कि ये जो भी कैरेक्टर प्ले करता है ये उसमें हमको कन्विंसिंगली करता है कि इसमें बस जाता है, ढल जाता है। और जो भी कैरेक्टर, चाहे वो मजाकिया हो, विलेन हो, इमोशनल हो, एज एन एक्टर मेरे लिए मेरी कामयाबी वही है कि अगर वो कहें कि सर आपने वो जो किरदार था बहुत बखूबी निभाया, सो दैट इज़ माई कॉम्प्लीमेंट। कि मुझे कोई इमेज नहीं चाहिए कि सर आप कॉमेडी बहुत अच्छी करते हैं, वो नेगेटिव है, वो इज़ नॉट अ कॉम्प्लीमेंट। जब वो कहेंगे सर आप ये भी बहुत अच्छा करते हो और ये भी बहुत अच्छा करते हो, सो मेरे लिए दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट एज एन एक्टर कि आप अलग अलग किस्म के रोल कर पाएँ। और आपकी कामयाबी ये है कि जो भी आप करें लोग कहें कि आपने वो किरदार बहुत अच्छा निभाया। दैट्स माई जॉब एंड दैट्स माई सक्सेस फॉर मी एज एन एक्टर। So I'm not looking to, you know, what is your image. Image is wrong for an actor. You should be a good actor or a bad actor. That should not be a bad actor. But yeah, that's it. And what about script? Script, देखिए, मुझे अगर अच्छी script मिलेगी जिससे मुझे लगता है कि अगर इस character को उस script से निकाल दिया जाए तो story को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो मुझे interest नहीं है। हाँ, सलाम नमस्ते जैसे फिल्में थी जिसमें से वो आप स्पेशल अपेयरेंस करते हैं, आपको लगता है इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ जो यादगार बन जाएगा, भले ही दो सीन हो, उसमें तीन सीन थे। सो वो कभी कभी हो जाता है, तो लेकिन वो हर बार नहीं कर सकते आप। हाँ, जैसे धमाल है आप निकाल नहीं सकते, तो उसके बिना फिल्म कंप्लीट नहीं होगी। सिंग इज किंग है, अभी ये ताज़ा खबर आ गई, इसमें भी अगर ये किरदार को निकाल देंगे तो कंप्लीट नहीं होगा, बिकॉज उसके बिना एक जर्नी कंप्लीट नहीं होती। मैं कोशिश वही करता हूँ कि एज ए कैरेक्टर वो एक कैरेक्टर एक अहम हिस्सा हो कहानी का, प्रिंसिपल जो हम कहते हैं, दैट्स इट। और एक्टर को क्या चाहिए आप, और आपको क्या करने का मौका मिल रहा है एज एन एक्टर कि मैं अपने हाउ मच मोर कैन आई पुश द एनवेलप, कि भाई कितना मैं अपनी कला को एज एन एक्टर बढ़ा सकता हूँ इस रोल के जरिए, कुछ नया कर सकता हूँ कि नहीं। तो आई थिंक दैट्स इम्पोर्टेंट। बाकी कितने बड़े हैं ये था आपसे कि जो भी आप सिलेक्ट करते हैं, जैसे हाँ जो भी आप कैरेक्टर डिसाइड करते हैं तो लोगों तक जब वो पहुंचता है, तो जब बैड कमेंट और गुड कमेंट दोनों होता है, तो आप किससे ज़्यादा इफेक्ट? देखिए, मैं अपने आप को देखता हूँ और मेरे अंदर एक नापतोल है कि मुझे लगेगा यार ये गड़बड़ कर दी मैंने, यार ये कुछ अच्छा नहीं था, मैं खुद ही समझ जाता हूँ। वो आपको अपने अंदर क्रिटिक रखना ज़रूरी है, और कुछ क्रिटिक्स आपके सर्किल में जो आपको लगे सही क्रिटिसिज्म दे रहे हैं, नॉट नेसेसरी के सोशल मीडिया पे आप देखेंगे वाह वाह सबको अच्छी लगती है, लेकिन क्रिटिक आपके अंदर का क्रिटिक होना बहुत ज़रूरी है कि यार ये मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दी, ये तो वो आप सुधार के आपको ये देखना है कि आगे ये मिस्टेक ना करें। आई थिंक दैट्स ऑल। एज एन एक्टर आप अपना 100% दें और आप अपना होमवर्क करके आएँ, जो आप कैरेक्टर में घुस रहे हैं उसको कैसे प्ले करना है वो एक होमवर्क होता है। वो कैरेक्टर को जैसे इन्होंने भी शीरी पे वर्क किया कि भाई क्या एक्सेंट कैसा होगा, चलेगी कैसे, इसका एक डिमीनर क्या होगा, तो आई थिंक वो दिखेगा आपको कि ये जो हैं और जो शीरी है वो अलग है, मैं हूँ जो सलीम है वो अलग है, वो मैं नहीं हूँ। आई थिंक दैट्स इम्पोर्टेंट। वो एक आई थिंक एक्टर के लिए दैट्स यू नो बताते हैं कि इसे
मेरी लाइफ में पहले तो मेरी मम्मी पापा माई सिस्टर देन इवन माई ब्रदर इन द लेटेस्ट स्टेजेस. अब मेरा भाई बड़ा हो गया है तो अब वो मुझे बताया करता है. पर पहले ये जो तीन फैक्टर्स होते थे मम्मी पापा एंड सिस्टर, ये लोग मुझे बहुत ब्यूटिफुली क्वेश्चन करते थे, गाइड करते थे. इस तरीके से कभी क्रिटिसिज्म भी देना होता था तो ऐसे देते थे कि मेरे फीलिंग्स भी हर्ट ना हो, मैं कहीं डीमोटिवेट ना हो, लेकिन मुझे सही रास्ता भी मिलता रहे, दिखता रहे. सो उन्होंने मुझे बहुत ब्यूटीफुली शेप अप किया है. और वहीं आज के दिन मेरे हस्बैंड विवेक दहिया एंड वो आज न सिर्फ मेरे दोस्त हैं, वो मेरे बेस्ट क्रिटिक है, बेस्ट मोटिवेटर है. ही इंस्पायर्स मी टू डू बेटर एंड एट टाइम्स जहाँ मुझे खुद पर शक हो रहा होता है उन्हें मुझ पर मुझसे ज़्यादा विश्वास है एंड दैट रियली हेल्प्स मी एज एन एक्टर एंड एज अ पर्सन. देखिए मेरे लिए, मैं प्रोफेशनली बात कर रहा हूँ, लेट्स नॉट गो पर्सनल की अलग है वो स्टोरी, लेकिन प्रोफेशनली ऑब्वियसली फर्स्ट इन्फ्लुएंस मेरे फादर थे. काम का तरीका, काम को किस तरह अप्रोच करना, क्या एक एक्टर को किस तरह से ढलना पड़ता है, वो बहुत कुछ सीखा मैंने मेरे फादर से. बाद में आई थिंक मेरी वाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है कि ऑफकोर्स मेरा करियर जब ऑलरेडी हो गया था, आई गॉट मैरिड इन 94, करियर शुरू हुआ था 84-85 में, लेकिन एक क्रिटिक भी है और क्या अच्छा किया बुरा किया ये रोल, बिकॉज वो टच में है कि क्या हो रहा है. एंड आई थिंक शी वॉज अ बिग बाउंसिंग बोर्ड विद मी एंड यू नो कि नहीं नहीं दिस इज़ नॉट वर्किंग, दिस शुड वर्क, व्हाट यू थिंक, और अच्छा है जो भी. सो आई थिंक शी वॉज फॉर मी वेरी इंपॉर्टेंट. और मेरा बेटा भी नाउ ही रिलाइज ऑन हर बिकॉज शी इज़ इन द लूप कि क्या हो रहा है, कैसे क्या. सो शी कीप्स फॉर द बोथ ऑफ अस अ लुक आउट. सो या फादर ऑब्वियसली प्रोफेशनली बिकॉज एक आर्ट जो कला होती है किस तरह से एज एन एक्टर आपको क्या बनना है. एंड हियर इज के टू सम एक्सटेंट ऑल्सो बिजनेस के भाई दिस प्रोजेक्ट विल बी गुड फॉर यू, ये रोल, दिस पीपल, दिस प्रोडक्शन, दिस आई. मैं तो खाली क्रिएटिव देख लेता हूँ बट कभी कभी ये इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो. सो या शी इज़ बीन वेरी हेल्पफुल. मतलब मैंने जो किया है, कुछ कई फिल्में आई थी, एक पागल फिल्म थी बूम, चली नहीं, पर मेरा रोल बहुत अच्छा था उसमें. एक थी फायर दीपा मेहता जी की, वो उसमें काम अच्छा. शौर्य एक फिल्म थी. फिर कॉमेडी में तो धमाल ऑफकोर्स पार्ट वन सुपर, सलाम नमस्ते फैंटास्टिक बन गया एक कैरेक्टर, सिंग इज किंग ऑल्सो फैंटास्टिक कैरेक्टर. और अभी एक जो ताज़ा खबर लगी है वो आई थिंक इट इज़ मेरे लाइफ में जो एक बहुत पावरफुल रोल, जो अच्छी लाइंस मिली हैं, डायलॉग बहुत फ़र्क पड़ता है. तो वो आई थिंक वॉज वे एंड फिर ये अब ये जो आया है इसका एक अलग अंदाज, एक लुक है. सो ऑब्वियसली इनके साथ भी काम करके एक यू नो सामने जब तक रिएक्शन नहीं होता है तो एक्टर के सामने फ़र्क पड़ेगा, आपकी परफॉर्मेंस में भी फ़र्क पड़ता है कि अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, रिएक्शन अच्छा मिल रहा है तो इट ब्रिंग्स आउट अ बेटर एक्टर, आई फील दैट. सो थैंक यू. सिनेमा की बात तो सर ज़्यादा अच्छी कर पाएंगे. नहीं, सिनेमा देखती तो देखते तो हाँ. देखने वाली बात है या करने वाली, दोनों जो आपने एक्सपीरियंस स्टोरी लाइन हो या फिर. बहुत फ़र्क आ गया है आफ्टर कोविड. आई थिंक जब लोग घरों में बैठे उन्होंने वर्ल्ड सिनेमा देखा, हम लोगों ने OTT प्लेटफॉर्म्स पे बहुत कुछ देख लिया, तो उस कंजम्पशन के बाद में अब ऑडियंस भी बहुत इवॉल्व हो गई. एंड थैंक्स टू दैट सिनेमा इवॉल्व हो रहा है बिकॉज अब अलग टाइप के किरदारों को हम एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, जैसे हाउ लापता लेडीज़ वर्कड एंड 12th फेल्ड वर्कड. शायद ये अगर थोड़ा और पहले आई होती तो उसको वो रिसेप्शन नहीं मिला होता जो कि आज के दिन मिल भी रहा है. ऐसी कई मूवीज़ है जो कि पहले भी आती थी, अहेड ऑफ टाइम आ गई इसीलिए उनको उतना अच्छा रिसीव नहीं किया गया, लेकिन थैंकफुली अब एक वो जो कैरेक्टर फेसेस जिनको हम समझते थे पहले, अब उन्हें हम मेन लीड की तरह देख पा रहे हैं. एंड आई थिंक दैट्स अ ब्यूटीफुल चेंज. ऑल्सो एक बहुत खूबसूरत चीज़ जो मुझे लग रही है, आई मीन आई एम रियली एन्जॉइंग इट, दैट इज़ हम अब साउथ के सिनेमा को
अप्रिशिएट कर रहे हैं, मराठी सिनेमा को अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ टैलेंट सच में बहुत ज़्यादा है, वो कंटेंट बहुत अच्छा बनाते हैं। इससे पहले हम देख नहीं पा रहे थे इतना ज़्यादा, क्योंकि OTT का माध्यम है, विथ सबटाइटल्स एंड डबिंग्स हम पूरे पैन इंडिया के कंटेंट को देखते हैं। आई थिंक इतना बहुत कुछ कह दिया, विच इज़ अ फैक्ट, बट अभी क्या है, सिनेमा में लोगों को लाने के लिए यू नीड अ लार्जर देन लाइफ, एक एक ऑडियो विजुअल एक्स्ट्रावेगेंजा, ये साउंड होना चाहिए और विजुअल्स होने चाहिए, बड़ा स्क्रीन, क्योंकि फिर लोग कहते हैं कि भाई हम इसको तो घर पे देख सकते हैं। तो 12th फेल जैसी फिल्म जो नॉर्मली लोग कहते हैं घर पे भी देख सकते हैं, सडनली लोग सिनेमा में आके उन्होंने देखा उस फिल्म को, एंड दैट इज़ आई थिंक काबिल तारीफ है ये बात कि लोगों ने कहा कि नहीं अच्छी फिल्म है, इसको देखते हैं, वर्ड ऑफ माउथ पे चली है मैक्सिमम। तो लेकिन जनरली वो एक लार्जर देन लाइफ ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस, यू नो, आई थिंक दैट्स व्हाट डॉल्बी एटमॉस एंड वाइट स्क्रीन एंड यू नो वो सब थिंग आवर पेरेंट्स मिस अ लॉट, लाइक मम्मी पापा लोग को वो देखना पसंद होता था, अरे वो कभी खुशी कभी गम के दिन, मोहब्बतें, वो वाले दिन होते थे। सो हाँ, आई वुड लव टू सी दैट, ऑफ कोर्स, यू नो, बिकॉज़ इतना ऑप्शंस हो गया ना लोगों के पास, एक फोन से लेकर टैबलेट, लैपटॉप, ये 40-50-60-70-80 इंच का स्क्रीन आ गया है घर में, तो ये बहुत चॉइसेस आ गई। तो सिनेमा में अंदर लाने के लिए इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, इट इज़, इट बहुत बड़ी एक मुसीबत इन अ वे, क्योंकि ऑब्वियसली जब लोग कहेंगे हम यहाँ देख लेंगे, OTT पे देख लेंगे, तो कंपटीशन भी बढ़ गया है, माध्यम बदल गए हैं। सो आई थिंक इट्स अ बिग चैलेंज सिनेमा के लिए ख़ासतौर पर, बिकॉज ऑब्वियसली सबसे टफेस्ट कॉम्पिटिशन जो इकोनॉमिकली हिट कर रहा है वो सिनेमा को हिट कर रहा है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि ऑडियंस को भी थोड़ा सपोर्ट देना चाहिए कि सिनेमा में आएँ और सिनेमा को देखें, बट ये हेल्दी कॉम्पिटिशन है, एंड OTT पे कुछ चीज़ें आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जो सिनेमा पे शायद नहीं कर सकते, तो वो OTT का एडवांटेज है कि आप कुछ थीम जैसे ले सकते हैं जो सिनेमा में शायद यूनिवर्सली एक्सेप्ट ना हो, लेकिन OTT पे आप एक्सेप्ट हो जाएगा। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉम्पिटिशन, इट्स एंड आई होप इट इवॉल्व्स, इट्स एवरीबडी यू नो इज सक्सेसफुल, सिनेमा भी सक्सेसफुल हो, OTT भी सक्सेसफुल हो, अरे ये इम्पेटस है लेकिन अच्छे के लिए। इट्स गुड, या एग्जैक्ट, थैंक यू सो मच, काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। लास्टली एनीथिंग, थैंक यू, आपको काफ़ी अच्छा लगा बात करके। लास्टली एनीथिंग टू फैंस, हाय, आप लोग द मैजिक ऑफ शीरी ज़रूर देखिएगा, जियो सिनेमा प्रीमियम पे आने वाला है 14th November से, और पूरे परिवार के लिए अच्छी व्यूइंग होगी, आप लोग साथ में बैठ के देखोगे, बढ़िया चाय कॉफ़ी पकौड़े उन सब के साथ, तो आप लोग को मज़ा आएगा, और सारे एपिसोड्स देखिएगा, क्योंकि जो पूरी जर्नी है ना उसमें मज़ा है, तो एक आध एपिसोड पे आप आगे मत बढ़ जाना प्लीज़, सब देखना और हमें फीडबैक भी देना। जर्नी वॉकर, बिल्कुल, और यू नो सब्सक्रिप्शन इतना महंगा भी नहीं है, इट्स रीजनेबल, और यू नो करके देखिए, आई थिंक यू विल एंजॉय इट, गुड कॉन्टेंट। मैं आपका स्वागत करूं कि आप मेरा स्वागत करें? 19 साल के बाद में आया हूं तो आप ही को करना पड़ेगा स्वागत। सर सवाल कहीं से भी, आप सेंटर में हैं, सवाल कहीं से भी है, लुक सेंटर में जी जी, चलिए शुरू करते हैं, कैमरा रोलिंग, देखिए आज की जनरेशन को 1997 के बच्चों से 10 गुना ज्यादा सीख की आवश्यकता है। आज के बच्चे भाग रहे हैं, उन बच्चों को खड़ा करके कुछ न कुछ मार्गदर्शन करना जो माता पिता नहीं कर पा रहे, गुरु भी नहीं कर पा रहे, बच्चे गूगल के साथ जा रहे हैं, तो इसके लिए मैं आया हूँ कि उन बच्चों को मार्गदर्शन चाहिए। तो शक्तिमान का सुपर हीरो लेकर नहीं आया हूँ, शक्तिमान का सुपर टीचर लेकर आया हूँ जो बच्चों को सिखाया। एक सेकेंड का पॉज, अरे साहब या तो मैं बोलूँ या आप बोलेंगे, साहब पीछे कोई कुछ नहीं बोलेगा, अरे भाई क्या आवाज कर रहा है, कोई नहीं बोलेगा कुछ भी पीछे, ओके सर, रोलिंग आई, चलिए आई जी, आज जो गाना लॉन्च हुआ उसके, देखिए मैं सीखने की कड़ी में सबसे पहले मुझे महसूस हुआ कि अरे एक सेकंड रुक जाओ, क्यों बोलते हैं आप लोग, ओए कौन बोल रहे हैं, अरे जानवर लोग हो यार, क्या यार, आप लोग कितने भी सीनियर हो, जस्ट कीप क्वाइट,
फोन साइलेंट में रखो भाई। आपने मुझे बुलाया है बोलने के लिए ना, सुनते क्यों नहीं आप लोग? फिर जो बात करनी है बाहर लेके जाओ ना। रोलिंग सर, रोलिंग सर, रोलिंग, थोड़ी सी शिष्टता रखो आप लोग। सर गाने के बारे में बता जी। देखिए मैंने जो कहा है कि मैं सुपर टीचर बनकर मैं अपने आप को फिर से कराया, शक्तिमान में जो मारामारी होगी, जो एक्शंस होंगे वो आएंगे, फिल्म तो बन रही है, कौन शक्तिमान बनेगा मुझे ही नहीं मालूम, मैं आपको जवाब नहीं दे सकता। लेकिन मुझे ये लगा कि बच्चों को सिखाना जितना मेरा हक है शायद नए शक्तिमान का नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया है बच्चों के साथ। दूसरी एक जमाने में मुझे याद है जब शक्तिमान का कॉन्सेप्ट लेकर मैं धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के गुरु थे उनके पास मैं लेकर गया था ये पूछने के लिए कि कुंडलिनी होती है कि नहीं। उन्होंने कहा होती है साहब कुंडलिनी के वो। उन्होंने मुझे कहा था मुकेश जी आप ऐसा कर, 80-90 साल के सीधे बैठे हुए थे, बोला ऐसा करिए मुकेश जी बच्चों को योगा सिखाइए। मैंने कहा देखिए अगर मैं बच्चों को योगा सिखाऊंगा ना सब भाग जाएंगे, पहले उनको दोस्त बनाने दीजिए, चॉकलेट देने दीजिए, उसके बाद जब वो बैठ जाएंगे तो मैं कुंडलिनी की बात करूँ तभी सुनेंगे। सो कहने का तात्पर्य यह है कि मैं बच्चों को, मैंने 30 साल लगाए हैं 1997 से 2005, छोटी छोटी मगर मोटी बातें आती थी, उसके बाद हमारा गैप पड़ा 19 साल का। फिर भी मेरे, मैं समझता हूँ मैं स्कूल हिंदुस्तान के ऑलमोस्ट एवरी कॉर्नर के स्कूल में मुझे इनवाइट किया गया है, और बच्चों से अभी कल ही मैं जयपुर अजमेर से, अजमेर के स्कूल से आया हूँ प्रेसिडेंसी स्कूल से, और वहाँ भी यही बातें निकली कि बच्चे लोगों को आप थोड़ी सी नैतिकता की शिक्षा दीजिए। मैंने कहा साहब बहुत ज़रूरत है। सो ये गाना बनाने का तात्पर्य ये था कि चलो पहले सबसे पहले शुरुआत करते हैं, बहुत सी बातें आज बच्चों को बताने के लिए बहुत सारी बातें। मैंने कहा क्रांतिकारियों का एक एंगल है जो जिसके लिए हम फाइट कर रहे हैं, जय हिंद अभियान में मैं हूँ जुड़ा हुआ हूँ। हम 8 साल से क्रांतिकारियों को शहीदों का दर्जा दिलाने के लिए सरकार से लड़ रहे हैं, तो मुझे लगा कि 10 में से 8 बच्चों को नहीं मालूम पड़ता कि अशफाकुल्ला खान कौन था, तुर्रम खान। हम तुर्रम बताया क्या तुर्रम बन रहे हो तुम, तुर्रम खान बन रहे हो, किसी को मालूम है तुर्रम खान एक क्रांतिकारी था हैदराबाद से? नहीं। बिरसा मुंडा से लेकर जितने भी नाम आप गिनाना शुरू करो, हमने कहा चलो पहली के थ्रू हम बच्चों से शक्तिमान पूछेगा। फिर मैंने कहा चलो एक काम करते मैं ही गाता हूँ इसको। फिर हमको लगा चलो शक्तिमान की कॉस्ट्यूम ऐड करते हैं, पहले शक्तिमान दिमाग में नहीं था, पर मुझे लगा कि शक्तिमान अगर बच्चों से पूछेगा तो 97 की मेमोरी ताज़ा हो जाएगी, और वो जो बच्चे सीखते थे उस जमाने में और आज के बच्चे भी सीखेंगे। सो इसीलिए ये गाना बनाया है, आज़ादी के वीरों की ये कथा सुहानी लगती है, लाख छुपाया जाए जानी पहचानी लगती है, ये मैंने धृष्टता करके अपनी आवाज़ दी है। शक्तिमान की जब भी हम कल्पना करते हैं तो मुकेश खन्ना के अलावा हमारे जहन में कोई आता ही नहीं है। आज कई फिल्में बनाने की कोशिश की जा रही है शक्तिमान को लेकर, सर आप ही खुद क्यों नहीं फिल्म बना लेते हैं? नहीं, बना लेते का मतलब कैसा, मैं ही बना रहा हूँ, आपको शायद अभी तक मालूम नहीं है, मैं ही बना रहा हूँ सोनी के साथ मिलकर। हम मैंने उनको बनाने को नहीं दे दिए, हम लोग मिलकर बना रहे। नहीं, आप कास्टिंग की बात कर रहे हैं या बनाने की बात कर रहे हैं? आप कहते हैं आप तो आप बोलिए कि शक्तिमान आप क्यों नहीं बन जाते, ये बोलना चाहते हो? करेक्ट। देखिए बहुत सारे एंगल्स हैं उसमें, कमर्शियल लेंस भी, कमर्शियल भी एक सेंस होता है। 200 करोड़ की फिल्म बनने वाली है, मैं हालांकि मैंने तो इनको साफ कह दिया था कि सर आप ऑल ओवर इंडिया में ऑडिशन करा दीजिए सर शक्तिमान के लिए, पूरा इंडिया खड़ा हो जाएगा, नए लड़के बने कराइए, शक्तिमान के लिए स्टार की आवश्यकता। सो बट वो एंगल मत छेड़िए क्योंकि उसके मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, बट कहीं ना कहीं मुझे लगा कि किसी ने तो किसी ने करना है। वी आर स्टिल फाइंडिंग आउट, वी आर स्टिल सिटिंग एंड टॉकिंग अबाउट कौन बनेगा शक्तिमान, और वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि कास्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है, फिजिकल कास्टिंग। आज के एक्टर्स की बात करें तो काफी फिजिकली फिट होते हैं, 6 एप्स वाले की, 7 एप्स वाले की बातें चलती है, शक्तिमान इतने फिट नहीं थे, नॉर्मल व्यक्तित्व थे, तो जितनी ताकत नहीं होगी उतनी एक योगी पुरुष होगी, योगी पुरुष का शरीर उसका माइंड उसके साथ चलता है, उसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो अगर आप कि उसको उसको आप लगेगा नहीं कि बॉडी बिल्डर है, लेकिन साहब उसके उसके जो इरादे और उसके देखने और उसके बात करने का उसका शायद एक मौका पड़ेगा, बड़े बड़े लोगों को भी मालूम नहीं पड़ेगा कहाँ से लगा है, योगी पुरुष बनी है। इसलिए जरूरी नहीं है कि वी शुड हैव अ एथलेटिक बॉडी वाला शक्तिमान, वी शुड हैव अ वो जिसके लुक में शक्तिमान। मुकेश सर, मुकेश सर, मुकेश सर, एक कैमरा, एक मिनट,
मुकेश सर एक सवाल है आपसे, आपको अभी तक पद्मश्री अवार्ड नहीं मिला, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? कौन सा श्री यार, मैं किसी श्री में बिलीव नहीं करता, और पद्मश्री मुझे नहीं मिला, पर आप लोगों का इतना प्यार मिला है मुझे, आप लोगों की इतनी सद्भावनाएं मिली हैं, इतने गुडविल है मेरे पास, जितनी गुडविल है सब आज के सभी एक्टरों को मिला के बिठा दो, जितनी गुडविल मेरे पास है, माफ करना मैं अहंकार नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे पास गुडविल की कमाई अरबों रुपए की। पद्मश्री लिया नहीं जाता, पद्मश्री मांगा नहीं जाता, पद्मश्री दिया जाता है। जिस दिन किसी को लगेगा कि मुझे देना है, चांदी की थाली पे मुझे अगर देंगे फिर भी सोचूंगा मैं, क्योंकि मेरे लिए कल मैंने एक रिमार्क पास किया था बीच में, मैं चंद्रशेखर आजाद के जन्म स्थली में गया था, मैंने वहां पर प्रेस को कहा था कि जो ये भारत रत्न का अवार्ड है चंद्रशेखर आजाद जी को दे देना चाहिए आपको, और ये भारत रत्न का मान होगा, चंद्रशेखर आजाद जी का मान नहीं। डिजर्विंग कैंडिडेट को मिले, मुझे मिले ना मिले, वो मैं नहीं सोच सकता और ना मैं मांग सकता हूँ। सर मेरा एक गाने को लेके ही सवाल है जी, जो गाना अभी देखा, गाना बहुत बेहतरीन है, बच्चों को लेकर है, मुझे ऐसा लग रहा है कि सर बच्चों को ही नहीं बड़े और बुजुर्ग को भी जरूरत है हमारे क्रांतिकारी को जानने के लिए, क्या फ्यूचर में जो नया गाना आएगा वो उनको ध्यान में रखते हुए बनेगा? नहीं देखिए, इन अवे देखिए बच्चों की स्लेट खाली होती है, मैंने अभी बीच में कहीं कहा था, मैंने कहा छठी क्लास से आप संस्कृत डाल दीजिए, जैसे लॉर्ड मैकॉले ने छठी क्लास में इंग्लिश डाला था 1835 में, आज हम वही कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं। आप संस्कृत पढ़ाइए, सब बड़ों को नहीं पढ़ा सकते, उनके उनका दिमाग जो होता है ना ट्रैफिक जैम होता है, छठे बच्चे का मैंने कहा गीता पढ़ाइए छठी में। सो बच्चों को सिखाने के माध्यम से, मेरे को किसी ने कहा साहब मुकेश जी छठी में गीता डालेंगे तो बच्चों को गीता क्या समझ में आएगी? मैंने कहा नहीं आएगी ना, माँ बाप से पूछेंगे, अगर माँ बाप को भी नहीं आएगी, कुछ माँ बाप ऐसे होते शायद उनको भी पता नहीं होते, तो वो अपने दोस्तों से पूछेंगे, अरे मेरा बच्चा पूछ रहा है मुझे बताओ यार, अदरवाइज मुझे बुरा लगे। सो दैट दिस इज द वे यू विल टीच गीता टू एवरीवन, व्हिच इज द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ टुडे, जिंदगी का जीने का तरीका गीता सिखाती है। अफसोस की बात है कि हम दुनिया भर के अलग अलग फिल्में देखते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं, हमारे खुद के संस्कृत में भरे हुए न वेद पुराण न उपनिषद न रामायण न महाभारत पढ़ते हैं, पढ़ के दिए सर। आजकल के बच्चों जो है माता पिता से और सर काफी महान पुरुषों से काफी दूर रहते हैं, और सर ये जो कथा आजादी के वीरों की कहानी है इसमें सर क्या कुछ एक्टिंग के जरिए भी कुछ ऐसा संदेश शक्तिमान रूप में देखने को मिलेगा ताकि बच्चे और ज्यादा उसको कैच कर सकें? देखिए आपका पहला सवाल ये है कि आजकल के बच्चे माँ बाप से दूर होते जा रहे हैं, ये मैं अभी भी बोल रहा हूँ, रिपीट भी कर रहा हूँ कि आजकल का बच्चा गूगल का दोस्त बन गया है, आज ना वो अपने माँ बाप से पूछता है ना टीचरों से पूछता है, वो गूगल को पूछता है अरे मेरे पेट में दर्द हो रहा है मैं क्या करूँ, दे हैव डिपेंडेंट सो मच ऑन दिस थिंग। तो उसके बच्चों ने जो माँ बाप से नहीं सीखते ना बैठते हैं उनको हमें तैयार करना पड़ेगा। गाना इज द मोस्ट स्वीट मीडियम टू टीच, हम पद्य में गद्य में सिखाएंगे, डायलॉग्स होते हैं, सब किताबें होती हैं, कहानियाँ होती हैं, लेकिन एक बहुत ब्यूटीफुली गाना बन जाए वो गाना आपके दिमाग में घुसता है। तो ये नॉलेज जो हम देना चाहते हैं ये क्रांतिकारियों के नाम की सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, लेट दिस बिकम वेरी पॉपुलर, ऑल दीज क्रांतिकारियों की पढ़ाई स्कूल की किताबों में होनी चाहिए, हमारे इतिहास को बाहर वाले लिखते हैं, हमने नहीं लिखते, हमारे यहाँ पर मुगल खानदान सिखाया जाता है, झांसी की रानी के बारे में नहीं बताया जाता है, मदर टेरेसा के बारे में लिखते हैं, झांसी की रानी के बारे में कम लिखते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा बनाने वाले सिलेबस बाहर के, मुझसे पूछो तो मैं एक लाइन में कहूँगा आज का एजुकेशन सिस्टम को टोटली रिवैम्प कर देना चाहिए, गुरुकुल में चलिए सब, गुरुकुल की टीचिंग सिखाइए, भले आप अपने कमरों में सिखाइए, पेड़ के साथ बैठने जरूरी नहीं है, बैठते थे राम और वो, आप गुरुकुल में सिखाइए, एक बच्चा 13 साल की उम्र में सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है, उसको कपड़ा बुनना भी सीना भी आता है, कारपेंटरी भी आता है, लैंप चेंज करना बल्ब भी आता है, आजकल के BA BCOM को बोले लैंप चेंज करो नहीं कर पाएंगे क्योंकि सिखाया नहीं जाता। सर वी नीड टू चेंज द सिलेबस, वी नीड टू चेंज द होल एजुकेशन सिस्टम जी। सर आज गूगल और सोशल मीडिया के दौर में बच्चे आसानी से सक्सेस की और देखते हैं, उनको लगता है कि इसके जरिए आसानी से सक्सेस मिल जाती है, कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई पे भी ध्यान नहीं देते हैं, वो सोशल मीडिया के जरिए कहीं ना कहीं इजी सक्सेस और इजी पैसे कमाने के धुन में लगे हुए, ऐसे बच्चों को आप क्या संदेश देंगे एज ए शक्तिमान? देखिए मैं बदनाम हूँ, मैं बोल जाता हूँ लेकिन मेरी बात आगे जाके लोगों को समझ में आती है, मैं आपको छोटी सी बात इसका जवाब दूंगा आपको, सोशल मीडिया जिसको आप बोल रहे हो, गूगल आप जो बोल रहे हो, मोबाइल फोन बोल रहे हो, अगर गलती से आप मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो देश का तो मैं आपका सारा मोबाइल फोन छीन लूंगा,
एक साल तक बिना मोबाइल के काम करके देखिए साहब। एसटीडी फोन हम मनाली से उतरते थे कुल्लू में फोन करने को, एसटीडी बूथ एसटीडी बूथ, आज बाथरूम में बैठ के बात कर रहे हैं। ये हटो 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 बाय 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 दिलजीत पाजी है, दिलजीत पाजी है। ऐश्वर्य जी, ऐश्वर्य जी ये साइड है ना, पीछे आपके लोग ये सही इधर ऐश्वर्या, यू मेरा पार्ट ऑफ बिग बॉस, एक बार देख रहे हो, किसी को सपोर्ट कर रहे हो? लेकिन एलिस कुछ बोल नहीं रही है ना गेम में, ना गेम में इंप्लाई करते सब है पर शायद दिखता नहीं। हेरा फेरी थोड़ा आगे 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 प्रोफेसर आगे आओ। राजू श्याम बाबूरा 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 बाबू भैया यस बाबू भैया, आपका हेलमेट किधर है? हेरा फेरी श्याम यस अन्ना जय श्री राम। थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू। सुनील सर सुनील सर अक्षय सर राजू श्याम राजू राजू श्याम राजू श्याम राजू के साथ राजू के साथ साथ में साथ में। वो पैसा डबल करने का है, पैसा डबल डबल एक का डबल 21 दिन में करने का पैसा डबल चिटफंड। भाई भाई कौन है कौन है? उतर भाई उतर। वजन किधर दे रहा है यार? बोले सर आपका स्कूल आइए अश्वन भाई सब लोग इधर आइए, एक साथ फोटो करते हैं। सर ऐसे ऐसे सेंटर में ना वेट 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 दो ब्लॉक के पीछे आओ यार, तो सेंटर में आइए ना अश्वन सर, सेंटर में आइए ना। अरे ये आगे ना भाई तुम हटो।
सेंटर भाई बढ़िया बढ़िया थैंक यू हैप्पी होली भाई हैप्पी होली पागल हो गए नशा कर अरे आराम से थैंक यू आयुष भाई थैंक यू अरे बालकनी से थैंक यू सो मच बालकनी फैंसी कैसी है ऋतिक रोशन करीना कपूर और रानी मुखर्जी की फिल्म मुझसे दोस्ती करोगे। यह जाने फिल्म का रिव्यू अजाने कहा देखे से फ्री में। मुझसे दोस्ती करोगे तीन बचपन के दोस्तों राज टीना और पूजा की कहानी बताती है। जब ये सभी बच्चे हो गए तो राज और उसका परिवार लंदन जाने के लिए भारत छोड़ देते हैं। लंदन जाने से पहले राज टीना और पूजा आखिरी बार मिलते हैं। इस मुलाकात के दौरान राज ने टीना से उसे लिखने के लिए कहा। टीना का मन कहीं और है और वो विचलित मन से सहमत है। पूजा भी राज को लिखना चाहती है, फिर भी राज की नजर केवल टीना पर है। जब राज का पहला ईमेल आता है तो टीना और पूजा उसे एक साथ पढ़ते हैं। पूजा टीना को वापस लिखने के लिए कहती है, लेकिन टीना को कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए पूजा टीना के नाम का उपयोग करके हस्ताक्षर करते हुए वापस लिखती है। पूजा अपने पात्रों के माध्यम से ये दिखावा करती रहती है कि वो टीना है और राज के साथ उसकी दोस्ती बढ़ती जा रही है। 15 साल बाद राज और उसका परिवार 2 सप्ताह की छुट्टियों के लिए भारत लौटे। पूजा टीना को पत्र के बारे में बताती है और टीना ये दिखावा करने के लिए सहमत हो जाती है कि उसने पत्र लिखे है। राज को टीना से बिना देखे ही प्यार हो गया है। 2 हफ्तों के दौरान राज टीना को अपने प्यार में फंसाने की कोशिश करता है, जैसे कि वो उसके प्यार में पड़ गया हो। पूजा को राज से प्यार हो गया है, लेकिन वो अपनी भावनाओं को अपने तक ही सीमित रखती है। राज को वो करीबी दोस्त बन जाते हैं और उसे पता चलता है कि वो उसकी कई रुचियों को सजा करती है। हालांकि उसे संदेह नहीं है कि पत्र वास्तव में टीना द्वारा लिखे गए थे। इस बीच राज के पिता देखते हैं कि राज टीना के प्यार में कितना गिर गया है और टीना से उसकी शादी तय कर देते हैं। टीना ये खबर सुनती है और तुरंत ही राज से प्यार करने लगती है। 2 सप्ताह के बाद राज और उसका परिवार लंदन लौट आए। कुछ ही समय बाद पूजा एक यूनिवर्सिटी के लिए इंटरव्यू देने के लिए लंदन पहुंचती है। वो वहां राज से मिलती है और उसे लंदन के दर्शनीय स्थल दिखाते हुए पत्रों के पीछे की सच्चाई का पता चलता है। पूजा राज के लिए अपनी भावनाओं को कबूल करती है और ये सभी को सच्चाई बताने के लिए भारत वापस जाने का संकल्प लेते हैं। हालांकि भाग्य हस्तक्षेप करता है और उनके आगमन पर उन्हें पता चलता है कि टीना के पिता की मृत्यु हो गई है। पूजा को एहसास होता है कि अगर उसने राज को उसके बारे में सबको बताया तो टीना कुचल जाएंगी, क्योंकि वो उसके पास कोई पिता या माँ नहीं है। पूजा क्यों करेगी? क्या वो दोस्ती के लिए अपने प्यार का बलिदान देगी? उनके सपनों का राजकुमार किसे मिलेगा, टीना या पूजा? अब बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म का पूरा रिव्यू अजाने कहा देखे से फ्री में। यदि आप जिसे प्रेम करते थे वो वास्तव में वो ना हो जिससे आप प्रेम करते थे तो आप क्या करेंगे? यदि आपका सबसे अच्छा दोस्त उसे प्यार करता हो जिससे आप प्यार करते हैं तो आप क्या करेंगे? अगर आपको पता चले कि आपके सबसे अच्छे दोस्त आपके लिए अपना प्यार त्याग रहे हैं तो आप क्या करेंगे? राज पूजा और टीना से मिले, ये तीन सबसे अच्छे दोस्त हैं और उस समय परिस्थितियों में फंस गए। पात्र प्यार और अलगाव ने उनके लिए हालात पैदा कर दिए। एक दोस्ती जो शिमला में सुरम्य पहाड़ी शहर में शुरू होती है और लंदन में खत्म होती है, या यूं कहे कि जारी रहती है। राज पूजा और टीना की तरह अपने मूल्यों में पारंपरिक फिर भी जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण और दृष्टिकोण में आधुनिक। हॉलीवुड की एक झलक बिल्लियों और कुत्तों के बारे में सच्चाई, कुछ कुछ होता है का एक छोंक और कुछ हद तक साजन, बेशक इसमें हम आपके हैं कौन की झलक भी है, K3G का एक छोटा सा अंश भी ये मुझसे दोस्ती करोगे का सारांश देता है, जो पिछले महीने के समाचार पात्रों की तरह ताजा है।
कई फिल्मों की खिचड़ी मुझसे दोस्ती करोगे मुख्य रूप से उस महत्वपूर्ण विभाग में प्रभावित होते हैं जो किसी भी फिल्म स्क्रिप्ट की जीवन रेखा होती है। फिल्म की कहानी, पटकथा, संवादों का श्रेय लेने वाले निर्देशक कुणाल कोहली ने सफल फिल्मों से उधार लेकर आसान रास्ता चुना है और यही इसका नुकसान हो रहा है क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नया या नवीन नहीं है जिस पर मुझसे दोस्ती करोगे दावा कर सके। एक ही लड़के से प्यार करने वाली दो सहेलियों की जो दिलचस्प प्रेम कहानी हो सकती थी वो स्क्रिप्ट में पूर्वानुमेयता के कारण खत्म हो जाती है। निरस होने के अलावा शायद ही कोई यादगार क्षण हो जिसे दर्शकों शो समाप्त होने के बाद घर ले जाए। पहले भाग में कुछ दिलचस्प क्षण है, ऋतिक और रानी के बीच संवाद और ऋतिक के शिमला लौटने के दृश्य को भी उजागर किया जा सकता है। निस्संदेह उन्हें अच्छी तरह से संभाला जाता है। कहानी तब तक सहज गति से आगे बढ़ती है जब तक ऋतिक को चर्च में सच्चाई का पता नहीं चल जाता, लेकिन दुर्भाग्य से फिल्म दूसरे भाग में पूरी तरीके से कमजोर हो जाती है। सीक्वेंस पूर्वानुमानित होने के साथ साथ लंबे है और कहानी इतनी खींची गई है कि दर्शक अधीर होने लगते हैं। इस बिंदु पर फिल्म भी काफी चर्चा में है। इसके अलावा चरमस्कर्ष रानी के माथे में अचानक सिंदूर गिरने के साथ शायद एक प्रेम त्रिकोण में देखा गया सबसे हास्यास्पद अंत है। इससे पहले चार लोगों ऋतिक, रानी, करीना और उदय से जुड़े अनुक्रम को परिपक्वता के साथ संभाला जा सकता था। निर्देशक कुणाल कोहली ने कुछ दृश्यों को संवेदनशीलता के साथ संभाला है, लेकिन आजमाई हुई और परखी हुई चीजों पर बहुत अधिक भरोसा किया है, इतना कि परिणाम कठिन है। तकनीकी रूप से कहे तो उनका शॉट निष्पादन बिल्कुल औसत दर्जे का है। कोई कैसे चाहेगा कि पुराने फिल्म निर्देशक आलोचक किसी भी बातों पर इतना अधीर भरोसा करने के बजाय अपनी पहली फिल्म के लिए कुछ नया और मौलिक लेकर आया होगा। फॉर्मूला युक्त वसी चीज। राहुल शर्मा का संगीत तक और दुखदायी मुद्दा है। यशराज फिल्म्स हमेशा से यादगार संगीत के लिए जाना जाता है, लेकिन इस मामले में जाने दिल में कब से हूँ तो छोड़कर फिल्म की कोई भी गाना जिक्र लायक नहीं है। उदाहरण के लिए पैरोडी इतनी लंबी है कि प्रभाव खत्म हो जाता है। दरअसल एक मजबूत संगीत स्कोर की कमी एक और कारक है जो फिल्म को नीचे ले जाती है। सिनेमाटोग्राफी ठीक ठाक है, संवाद उपयुक्त है, मुझसे दोस्ती करोगे स्पष्ट रूप से रानी मुखर्जी की है जिनकी तुलना मत्तक रूप से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। अभिनेत्री उस भूमिका में शानदार है जो उन पर बिल्कुल फिट बैठती है। ऋतिक रोशन वही करते हैं जो वो अपनी पहली फिल्म के बाद से करते आ रहे हैं। आपकी प्रसिद्ध मुस्कान, डिजाइनर पोशाकों में आकर्षक दिखना और असाधारण रूप से अच्छा नृत्य, ये इसके बारे में। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। कैसी है ऋतिक रोशन, करीना कपूर और रानी मुखर्जी की फिल्म मुझसे दोस्ती करोगे? यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। मुझसे दोस्ती करोगे तीन बचपन के दोस्तों राज, टीना और पूजा की कहानी बताती है। जब ये सभी बच्चे हो गए तो राज और उसका परिवार लंदन जाने के लिए भारत छोड़ देते हैं। लंदन जाने से पहले राज, टीना और पूजा आखिरी बार मिलते हैं। इस मुलाकात के दौरान राज ने टीना से उसे लिखने के लिए कहा। टीना का मन कहीं और है और वो विचलित मन से सहमत है। पूजा भी राज को लिखना चाहती है, फिर भी राज की नजर केवल टीना पर है। जब राज का पहला ईमेल आता है तो टीना और पूजा उसे एक साथ पढ़ते हैं। पूजा टीना को वापस लिखने के लिए कहती है, लेकिन टीना को कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए पूजा टीना के नाम का उपयोग करके हस्ताक्षर करते हुए वापस लिखती है। पूजा अपने पात्रों के माध्यम से ये दिखावा करती रहती है कि वो टीना है और राज के साथ उसकी दोस्ती बढ़ती जा रही है। 15 साल बाद राज और उसका परिवार 2 सप्ताह की छुट्टियों के लिए भारत लौटे। पूजा टीना को पत्र के बारे में बताती है और टीना ये दिखावा करने के लिए सहमत हो जाती है कि उसने पत्र लिखे है। राज को टीना से बिना देखे ही प्यार हो गया है। 2 हफ्तों के दौरान राज टीना को अपने प्यार में फंसाने की कोशिश करता है, जैसे कि वो उसके प्यार में पड़ गया हो। पूजा को राज से प्यार हो गया है, लेकिन वो अपनी भावनाओं को अपने तक ही सीमित रखती है। राज को
वो करीबी दोस्त बन जाते हैं और उसे पता चलता है कि वो उसकी कई रुचियों को सजा करती है। हालांकि उसे संदेह नहीं है कि पत्र वास्तव में टीना द्वारा लिखे गए थे। इस बीच राज के पिता देखते हैं कि राज टीना के प्यार में कितना गिर गया है और टीना से उसकी शादी तय कर देते हैं। टीना ये खबर सुनती है और तुरंत ही राज से प्यार करने लगती है। दो सप्ताह के बाद राज और उसका परिवार लंदन लौट आए। कुछ ही समय बाद पूजा एक यूनिवर्सिटी के लिए इंटरव्यू देने के लिए लंदन पहुंचती है। वो वहां राज से मिलती है और उसे लंदन के दर्शनीय स्थल दिखाते हुए पत्रों के पीछे की सच्चाई का पता चलता है। पूजा राज के लिए अपनी भावनाओं को कबूल करती है और ये सभी को सच्चाई बताने के लिए भारत वापस जाने का संकल्प लेते हैं। हालांकि भाग्य हस्तक्षेप करता है और उनके आगमन पर उन्हें पता चलता है कि टीना के पिता की मृत्यु हो गई है। पूजा को एहसास होता है कि अगर उसने राज को उसके बारे में सबको बताया तो टीना कुचल जाएंगी, क्योंकि वो उसके पास कोई पिता या माँ नहीं है। पूजा क्यों करेगी? क्या वो दोस्ती के लिए अपने प्यार का बलिदान देगी? उनके सपनों का राजकुमार किसे मिलेगा, टीना या पूजा? अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। मुझसे दोस्ती करोगे? फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का पूरा रिव्यू आ जाने, कहा देखे इसे फ्री में। यदि आप जिसे प्रेम करते थे वो वास्तव में वो ना हो जिससे आप प्रेम करते थे तो आप क्या करेंगे? यदि आपका सबसे अच्छा दोस्त उसे प्यार करता हो जिससे आप प्यार करते हैं तो आप क्या करेंगे? अगर आपको पता चले कि आपके सबसे अच्छे दोस्त आपके लिए अपना प्यार त्याग रहे हैं तो आप क्या करेंगे? राज पूजा और टीना से मिले, ये तीन सबसे अच्छे दोस्त हैं और उस समय परिस्थितियों में फंस गए पात्र प्यार और अलगाव ने उनके लिए हालात पैदा कर दिए। एक दोस्ती जो शिमला में सुरम्य पहाड़ी शहर में शुरू होती है और लंदन में खत्म होती है, या यूं कहे कि जारी रहती है। राज पूजा और टीना की तरह अपने मूल्यों में पारंपरिक फिर भी जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण और दृष्टिकोण में आधुनिक हॉलीवुड के एक झलक बिल्लियों और कुत्तों के बारे में सच्चाई कुछ कुछ होता है का एक छोंक और कुछ हद तक साजन। बेशक इसमें हम आपके है कौन की झलक भी है, के3 जी का एक छोटा सा अंश भी, ये मुझसे दोस्ती करोगे का सारांश देता है जो पिछले महीने के समाचार पत्रों की तरह ताजा है। कई फिल्मों की खिचड़ी मुझसे दोस्ती करोगे मुख्य रूप से उस महत्वपूर्ण विभाग में प्रभावित होते हैं जो किसी भी फिल्म स्क्रिप्ट की जीवन रेखा होती है। फिल्म की कहानी, पटकथा, संवादों का श्रेय लेने वाले निर्देशक कुणाल कोहली ने सफल फिल्मों से उधार लेकर आसान रास्ता चुना है और यही इसका नुकसान हो रहा है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नया या नवीन नहीं है जिस पर मुझसे दोस्ती करोगे दावा कर सके। एक ही लड़के से प्यार करने वाली दो सहेलियों की जो दिलचस्प प्रेम कहानी हो सकती थी वो स्क्रिप्ट में पूर्वानुमेयता के कारण खत्म हो जाती है। निरस होने के अलावा शायद ही कोई यादगार क्षण हो जिसे दर्शकों शो समाप्त होने के बाद घर ले जाए। पहले भाग में कुछ दिलचस्प क्षण है, ऋतिक और रानी के बीच संवाद और ऋतिक के शिमला लौटने के दृश्य को भी उजागर किया जा सकता है। निस्संदेह उन्हें अच्छी तरह से संभाला जाता है। कहानी तब तक सहज गति से आगे बढ़ती है जब तक ऋतिक को चर्च में सच्चाई का पता नहीं चल जाता, लेकिन दुर्भाग्य से फिल्म दूसरे भाग में पूरी तरीके से कमजोर हो जाती है। सीक्वेंस पूर्वानुमानित होने के साथ साथ लंबे हैं और कहानी इतनी खींची गई है कि दर्शक अधीर होने लगते हैं। इस बिंदु पर फिल्म भी काफी चर्चा में है। इसके अलावा चनमस्कर्ष रानी के माथे में अचानक सिंदूर गिरने के साथ शायद एक प्रेम त्रिकोण में देखा गया सबसे हास्यास्पद अंत है। इससे पहले चार लोगों ऋतिक, रानी, करीना और उदय से जुड़े अनुक्रम को परिपक्वता के साथ संभाला जा सकता था। निर्देशक कुणाल कोहली ने कुछ दृश्यों को संवेदनशीलता के साथ संभाला है, लेकिन आजमाई हुई और परखी हुई चीजों पर बहुत अधिक भरोसा किया है, इतना कि परिणाम कठिन है। तकनीकी रूप से कहे तो उनका शॉट निष्पादन बिल्कुल औसत दर्जे का है। कोई कैसे चाहेगा कि पुराने फिल्म निर्देशक आलोचक किसी भी बातों पर इतना अधीर भरोसा करने के बजाय अपनी पहली फिल्म के लिए कुछ नया और मौलिक लेकर आया होगा। फॉर्मूला युक्त वसी चीज।
राहुल शर्मा का संगीत तक और दुखदाई मुद्दा है। यशराज फम्स हमेशा से यादगार संगीत के लिए जाना जाता है, लेकिन इस मामले में जाने दिल में कब से हूँ तो छोड़कर फिल्म की कोई भी गाना जिक्र लायक नहीं है। उदाहरण के लिए पैरोडी इतनी लंबी है कि प्रभाव खत्म हो जाता है। दरअसल एक मजबूत संगीत स्कोर की कमी एक और कारक है जो फिल्म को नीचे ले जाती है। सिनेमाटोग्राफी ठीक ठाक है, संवाद उपयुक्त है, मुझसे दोस्ती करोगे स्पष्ट रूप से रानी मुखर्जी की है, जिनकी तुलनात्मक रूप से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। अभिनेत्री उस भूमिका में शानदार है जो उन पर बिल्कुल फिट बैठती है। ऋतिक रोशन वही करते हैं जो वो अपनी पहली फिल्म के बाद से करते आ रहे हैं। आपकी प्रसिद्ध मुस्कान, डिजाइनर पोशाकों में आकर्षक दिखना और असाधारण रूप से अच्छा नृत्य, ये इसके बारे में। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। कैसी है ऋतिक रोशन, करीना कपूर और रानी मुखर्जी की फिल्म मुझसे दोस्ती करोगे? यह जाने फिल्म का रिव्यू अजाने कहा देखे से फ्री में। मुझसे दोस्ती करोगे तीन बचपन के दोस्तों राज, टीना और पूजा की कहानी बताती है। जब ये सभी बच्चे हो गए तो राज और उसका परिवार लंदन जाने के लिए भारत छोड़ देते हैं। लंदन जाने से पहले राज, टीना और पूजा आखिरी बार मिलते हैं। इस मुलाकात के दौरान राज ने टीना से उसे लिखने के लिए कहा। टीना का मन कहीं और है और वो विचलित मन से सहमत है। पूजा भी राज को लिखना चाहती है, फिर भी राज की नजर केवल टीना पर है। जब राज का पहला ईमेल आता है तो टीना और पूजा उसे एक साथ पढ़ते हैं। पूजा टीना को वापस लिखने के लिए कहती है, लेकिन टीना को कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए पूजा टीना के नाम का उपयोग करके हस्ताक्षर करते हुए वापस लिखती है। पूजा अपने पात्रों के माध्यम से ये दिखावा करती रहती है कि वो टीना है और राज के साथ उसकी दोस्ती बढ़ती जा रही है। 15 साल बाद राज और उसका परिवार 2 सप्ताह की छुट्टियों के लिए भारत लौटे। पूजा टीना को पत्र के बारे में बताती है और टीना ये दिखावा करने के लिए सहमत हो जाती है कि उसने पत्र लिखे है। राज को टीना से बिना देखे ही प्यार हो गया है। 2 हफ्तों के दौरान राज टीना को अपने प्यार में फंसाने की कोशिश करता है, जैसे कि वो उसके प्यार में पड़ गया हो। पूजा को राज से प्यार हो गया है, लेकिन वो अपनी भावनाओं को अपने तक ही सीमित रखती है। राज को वो करीबी दोस्त बन जाते हैं और उसे पता चलता है कि वो उसकी कई रुचियों को सजा करती है। हालांकि उसे संदेह नहीं है कि पत्र वास्तव में टीना द्वारा लिखे गए थे। इस बीच राज के पिता देखते हैं कि राज टीना के प्यार में कितना गिर गया है और टीना से उसकी शादी तय कर देते हैं। टीना ये खबर सुनती है और तुरंत ही राज से प्यार करने लगती है। 2 सप्ताह के बाद राज और उसका परिवार लंदन लौट आए। कुछ ही समय बाद पूजा एक यूनिवर्सिटी के लिए इंटरव्यू देने के लिए लंदन पहुंचती है। वो वहां राज से मिलती है और उसे लंदन के दर्शनीय स्थल दिखाते हुए पत्रों के पीछे की सच्चाई का पता चलता है। पूजा राज के लिए अपनी भावनाओं को कबूल करती है और ये सभी को सच्चाई बताने के लिए भारत वापस जाने का संकल्प लेते हैं। हालांकि भाग्य हस्तक्षेप करता है और उनके आगमन पर उन्हें पता चलता है कि टीना के पिता की मृत्यु हो गई है। पूजा को एहसास होता है कि अगर उसने राज को उसके बारे में सबको बताया तो टीना कुचल जाएंगी, क्योंकि वो उसके पास कोई पिता या माँ नहीं है। पूजा क्यों करेगी? क्या वो दोस्ती के लिए अपने प्यार का बलिदान देगी? उनके सपनों का राजकुमार किसे मिलेगा, टीना या पूजा? अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म का पूरा रिव्यू अजाने कहा देखे से फ्री में। यदि आप जिसे प्रेम करते थे वो वास्तव में वो ना हो जिससे आप प्रेम करते थे तो आप क्या करेंगे? यदि आपका सबसे अच्छा दोस्त उसे प्यार करता हो जिससे आप प्यार करते हैं तो आप क्या करेंगे? अगर आपको पता चले कि आपके सबसे अच्छे दोस्त आपके लिए अपना प्यार त्याग रहे हैं तो आप क्या करेंगे? राज, पूजा और टीना से मिले, ये तीन सबसे अच्छे दोस्त हैं और उस समय परिस्थितियों में फंस गए। पात्र प्यार और अलगाव ने उनके लिए हालात पैदा कर दिए। एक दोस्ती जो शिमला में सुरम्य पहाड़ी शहर में शुरू होती है और लंदन में खत्म होती है,
या यूं कहे कि जारी रहती है। राज, पूजा और टीना की तरह अपने मूल्यों में पारंपरिक फिर भी जीवन के प्रति अपनी दृष्टिकोण और दृष्टिकोण में आधुनिक। हॉलीवुड की एक झलक, बिल्लियों और कुत्तों के बारे में सच्चाई, कुछ कुछ होता है का एक छोंक और कुछ हद तक साजन। बेशक इसमें हम आपके है कौन की झलक भी है, के3G का एक छोटा सा अंश भी। ये मुझसे दोस्ती करोगे का सारांश देता है जो पिछले महीने के समाचार पत्रों की तरह ताजा है। कई फिल्मों की खिचड़ी मुझसे दोस्ती करोगे मुख्य रूप से उस महत्वपूर्ण विभाग में प्रभावित होते हैं जो किसी भी फिल्म स्क्रिप्ट की जीवन रेखा होती है। फिल्म की कहानी, पटकथा, संवादों का श्रेय लेने वाले निर्देशक कुणाल कोहली ने सफल फिल्मों से उधार लेकर आसान रास्ता चुना है और यही इसका नुकसान हो रहा है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नया या नवीन नहीं है जिस पर मुझसे दोस्ती करोगे दावा कर सके। एक ही लड़के से प्यार करने वाली दो सहेलियों की जो दिलचस्प प्रेम कहानी हो सकती थी, वो स्क्रिप्ट में पूर्वानुमेयता के कारण खत्म हो जाती है। निरस होने के अलावा शायद ही कोई यादगार क्षण हो जिसे दर्शकों शो समाप्त होने के बाद घर ले जाए। पहले भाग में कुछ दिलचस्प क्षण है, ऋतिक और रानी के बीच संवाद और ऋतिक के शिमला लौटने के दृश्य को भी उजागर किया जा सकता है। निस्संदेह उन्हें अच्छी तरह से संभाला जाता है। कहानी तब तक सहज गति से आगे बढ़ती है जब तक ऋतिक को चर्च में सच्चाई का पता नहीं चल जाता, लेकिन दुर्भाग्य से फिल्म दूसरे भाग में पूरी तरीके से कमजोर हो जाती है। सीक्वेंस पूर्वानुमानित होने के साथ साथ लंबे है और कहानी इतनी खींची गई है कि दर्शक अधीर होने लगते हैं। इस बिंदु पर फिल्म भी काफी चर्चा में है। इसके अलावा चरमस्कर्ष रानी के माथे में अचानक सिंदूर गिरने के साथ शायद एक प्रेम त्रिकोण में देखा गया सबसे हास्यास्पद अंत है। इससे पहले चार लोगों ऋतिक, रानी, करीना और उदय से जुड़े अनुक्रम को परिपक्वता के साथ संभाला जा सकता था। निर्देशक कुणाल कोहली ने कुछ दृश्यों को संवेदनशीलता के साथ संभाला है, लेकिन आजमाई हुई और परखी हुई चीजों पर बहुत अधिक भरोसा किया है, इतना कि परिणाम कठिन है। तकनीकी रूप से कहे तो उनका शॉट निष्पादन बिल्कुल औसत दर्जे का है। कोई कैसे चाहेगा कि पुराने फिल्म निर्देशक आलोचक किसी भी बातों पर इतना अधीर भरोसा करने के बजाय अपनी पहली फिल्म के लिए कुछ नया और मौलिक लेकर आया होगा। फॉर्मूला युक्त वसी चीज। राहुल शर्मा का संगीत तक और दुखदाई मुद्दा है। यशराज फिल्म हमेशा से यादगार संगीत के लिए जाना जाता है, लेकिन इस मामले में जाने दिल में कब से हूँ तो छोड़कर फिल्म की कोई भी गाना जिक्र लायक नहीं है। उदाहरण के लिए पैरोडी इतनी लंबी है कि प्रभाव खत्म हो जाता है। दरअसल एक मजबूत संगीत स्कोर की कमी एक और कारक है जो फिल्म को नीचे ले जाती है। सिनेमाटोग्राफी ठीक ठाक है, संवाद उपयुक्त है, मुझसे दोस्ती करोगे स्पष्ट रूप से रानी मुखर्जी की है जिनकी तुलनात्मक रूप से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। अभिनेत्री उस भूमिका में शानदार है जो उन पर बिल्कुल फिट बैठती है। ऋतिक रोशन वही करते हैं जो वो अपनी पहली फिल्म के बाद से करते आ रहे हैं। आपकी प्रसिद्ध मुस्कान, डिजाइनर पोशाकों में आकर्षक दिखना और असाधारण रूप से अच्छा नृत्य, ये इसके बारे में। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। कैसी है ऋतिक रोशन, करीना कपूर और रानी मुखर्जी की फिल्म मुझसे दोस्ती करोगे? यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू अजाने कहा देखे से फ्री में। मुझसे दोस्ती करोगे तीन बचपन के दोस्तों राज, टीना और पूजा की कहानी बताती है। जब ये सभी बच्चे हो गए तो राज और उसका परिवार लंदन जाने के लिए भारत छोड़ देते हैं। लंदन जाने से पहले राज, टीना और पूजा आखिरी बार मिलते हैं। इस मुलाकात के दौरान राज ने टीना से उसे लिखने के लिए कहा। टीना का मन कहीं और है और वो विचलित मन से सहमत है। पूजा भी राज को लिखना चाहती है, फिर भी राज की नजर केवल टीना पर है। जब राज का पहला ईमेल आता है तो टीना और पूजा उसे एक साथ पढ़ते हैं। पूजा टीना को वापस लिखने के लिए कहती है, लेकिन टीना को कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए पूजा टीना के नाम का उपयोग करके हस्ताक्षर करते हुए वापस लिखती है।
पूजा अपने पात्रों के माध्यम से ये दिखावा करती रहती है कि वो टीना है और राज के साथ उसकी दोस्ती बढ़ती जा रही है। 15 साल बाद राज और उसका परिवार 2 सप्ताह की छुट्टियों के लिए भारत लौटे। पूजा टीना को पत्र के बारे में बताती है और टीना ये दिखावा करने के लिए सहमत हो जाती है कि उसने पत्र लिखे है। राज को टीना से बिना देखे ही प्यार हो गया है। 2 हफ्तों के दौरान राज टीना को अपने प्यार में फंसाने की कोशिश करता है, जैसे कि वो उसके प्यार में पड़ गया हो। पूजा को राज से प्यार हो गया है, लेकिन वो अपनी भावनाओं को अपने तक ही सीमित रखती है। राज को वो करीबी दोस्त बन जाते हैं और उसे पता चलता है कि वो उसकी कई रुचियों को सजा करती है। हालांकि उसे संदेह नहीं है कि पत्र वास्तव में टीना द्वारा लिखे गए थे। इस बीच राज के पिता देखते हैं कि राज टीना के प्यार में कितना गिर गया है और टीना से उसकी शादी तय कर देते हैं। टीना ये खबर सुनती है और तुरंत राज से प्यार करने लगती है। 2 सप्ताह के बाद राज और उसका परिवार लंदन लौट आए। कुछ ही समय बाद पूजा एक यूनिवर्सिटी के लिए इंटरव्यू देने के लिए लंदन पहुंचती है। वो वहां राज से मिलती है और उसे लंदन के दर्शनीय स्थल दिखाते हुए पत्रों के पीछे की सच्चाई का पता चलता है। पूजा राज के लिए अपनी भावनाओं को कबूल करती है और ये सभी को सच्चाई बताने के लिए भारत वापस जाने का संकल्प लेते हैं। हालांकि भाग्य हस्तक्षेप करता है और उनके आगमन पर उन्हें पता चलता है कि टीना के पिता की मृत्यु हो गई है। पूजा को एहसास होता है कि अगर उसने राज को उसके बारे में सबको बताया तो टीना कुचल जाएंगी, क्योंकि वो उसके पास कोई पिता या माँ नहीं है। पूजा क्यों करेगी? क्या वो दोस्ती के लिए अपने प्यार का बलिदान देगी? उनके सपनों का राजकुमार किसे मिलेगा, टीना या पूजा? अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। मुझसे दोस्ती करोगे? फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का पूरा रिव्यू आ जाने कहा देखे इसे फ्री में। यदि आप जिसे प्रेम करते थे वो वास्तव में वो ना हो जिसे आप प्रेम करते थे तो आप क्या करेंगे? यदि आपका सबसे अच्छा दोस्त उसे प्यार करता हो जिससे आप प्यार करते हैं तो आप क्या करेंगे? अगर आपको पता चले कि आपके सबसे अच्छे दोस्त आपके लिए अपना प्यार त्याग रहे हैं तो आप क्या करेंगे? राज पूजा और टीना से मिले, ये 3 सबसे अच्छे दोस्त हैं और उस समय परिस्थितियों में फंस गए पात्र प्यार और अलगाव ने उनके लिए हालात पैदा कर दिए। एक दोस्ती जो शिमला में सुरम्य पहाड़ी शहर में शुरू होती है और लंदन में खत्म होती है, या यूं कहे कि जारी रहती है। राज पूजा और टीना की तरह अपने मूल्यों में पारंपरिक फिर भी जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण और दृष्टिकोण में आधुनिक हॉलीवुड की एक झलक बिल्लियों और कुत्तों के बारे में सच्चाई कुछ कुछ होता है का एक छोंक और कुछ हद तक साजन। बेशक इसमें हम आपके हैं कौन की झलक भी है, K3G का एक छोटा सा अंश भी ये मुझसे दोस्ती करोगे का सारांश देता है, जो पिछले महीने के समाचार पत्रों की तरह ताजा है। कई फिल्मों की खिचड़ी मुझसे दोस्ती करोगे मुख्य रूप से उस महत्वपूर्ण विभाग में प्रभावित होते हैं जो किसी भी फिल्म स्क्रिप्ट की जीवन रेखा होती है। फिल्म की कहानी, पटकथा, संवादों का श्रेय लेने वाले निर्देशक कुणाल कोहली ने सफल फिल्मों से उधार लेकर आसान रास्ता चुना है और यही इसका नुकसान हो रहा है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नया या नवीन नहीं है जिस पर मुझसे दोस्ती करोगे दावा कर सके। एक ही लड़के से प्यार करने वाली 2 सहेलियों की जो दिलचस्प प्रेम कहानी हो सकती थी वो स्क्रिप्ट में पूर्वानुमेयता के कारण खत्म हो जाती है। निरस होने के अलावा शायद ही कोई यादगार क्षण हो जिसे दर्शकों शो समाप्त होने के बाद घर ले जाए। पहले भाग में कुछ दिलचस्प क्षण है, ऋतिक और रानी के बीच संवाद और ऋतिक के शिमला लौटने के दृश्य को भी उजागर किया जा सकता है। निस्संदेह उन्हें अच्छी तरह से संभाला जाता है। कहानी तब तक सहज गति से आगे बढ़ती है जब तक ऋतिक को चर्च में सच्चाई का पता नहीं चल जाता, लेकिन दुर्भाग्य से फिल्म दूसरे भाग में पूरी तरीके से कमजोर हो जाती है। सीक्वेंस पूर्वानुमानित होने के साथ साथ लंबे हैं और कहानी इतनी खींची गई है कि दर्शक अधीर होने लगते हैं। इस बिंदु पर फिल्म भी काफी चर्चा में है। इसके अलावा चनमस्कर्ष रानी के
माथे में अचानक सिंदूर गिरने के साथ शायद एक प्रेम त्रिकोण में देखा गया सबसे हास्यास्पद अंत है। इससे पहले चार लोगों ऋतिक, रानी, करीना और उदय से जुड़े अनुक्रम को परिपक्वता के साथ संभाला जा सकता था। निर्देशक कुणाल कोहली ने कुछ दृश्यों को संवेदनशीलता के साथ संभाला है, लेकिन आजमाई हुई और परखी हुई चीजों पर बहुत अधिक भरोसा किया है, इतना कि परिणाम कठिन है। तकनीकी रूप से कहे तो उनका शॉट निष्पादन बिल्कुल औसत दर्जे का है। कोई कैसे चाहेगा कि पुराने फिल्म निर्देशक आलोचक किसी भी बातों पर इतना अधीर भरोसा करने के बजाय अपनी पहली फिल्म के लिए कुछ नया और मौलिक लेकर आया होगा। फॉर्मूला युक्त वसी चीज। राहुल शर्मा का संगीत तक और दुखदाई मुद्दा है। यशराज फिल्म्स हमेशा से यादगार संगीत के लिए जाना जाता है, लेकिन इस मामले में जाने दिल में कब से हूँ तो छोड़कर फिल्म की कोई भी गाना जिक्र लायक नहीं है। उदाहरण के लिए पैरोडी इतनी लंबी है कि प्रभाव खत्म हो जाता है। दरअसल एक मजबूत संगीत स्कोर की कमी एक और कारक है जो फिल्म को नीचे ले जाती है। सिनेमाटोग्राफी ठीक ठाक है, संवाद उपयुक्त है, मुझसे दोस्ती करोगे स्पष्ट रूप से रानी मुखर्जी की है, जिनकी तुलनात्मक रूप से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। अभिनेत्री उस भूमिका में शानदार है जो उन पर बिल्कुल फिट बैठती है। ऋतिक रोशन वही करते हैं जो वो अपनी पहली फिल्म के बाद से करते आ रहे हैं। आपकी प्रसिद्ध मुस्कान, डिजाइनर पोशाकों में आकर्षक दिखना और असाधारण रूप से अच्छा नृत्य, ये इसके बारे में। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। कैसी है ऋतिक रोशन, करीना कपूर और रानी मुखर्जी की फिल्म मुझसे दोस्ती करोगे? यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू अजाने कहा देखे से फ्री में। मुझसे दोस्ती करोगे तीन बचपन के दोस्तों राज, टीना और पूजा की कहानी बताती है। जब ये सभी बच्चे हो गए तो राज और उसका परिवार लंदन जाने के लिए भारत छोड़ देते हैं। लंदन जाने से पहले राज, टीना और पूजा आखिरी बार मिलते हैं। इस मुलाकात के दौरान राज ने टीना से उसे लिखने के लिए कहा। टीना का मन कहीं और है और वो विचलित मन से सहमत है। पूजा भी राज को लिखना चाहती है, फिर भी राज की नजर केवल टीना पर है। जब राज का पहला ईमेल आता है तो टीना और पूजा उसे एक साथ पढ़ते हैं। पूजा टीना को वापस लिखने के लिए कहती है, लेकिन टीना को कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए पूजा टीना के नाम का उपयोग करके हस्ताक्षर करते हुए वापस लिखती है। पूजा अपने पात्रों के माध्यम से ये दिखावा करती रहती है कि वो टीना है और राज के साथ उसकी दोस्ती बढ़ती जा रही है। 15 साल बाद राज और उसका परिवार 2 सप्ताह की छुट्टियों के लिए भारत लौटे। पूजा टीना को पत्र के बारे में बताती है और टीना ये दिखावा करने के लिए सहमत हो जाती है कि उसने पत्र लिखे हैं। राज को टीना से बिना देखे ही प्यार हो गया है। 2 हफ्तों के दौरान राज टीना को अपने प्यार में फंसाने की कोशिश करता है, जैसे कि वो उसके प्यार में पड़ गया हो। पूजा को राज से प्यार हो गया है, लेकिन वो अपनी भावनाओं को अपने तक ही सीमित रखती है। राज को वो करीबी दोस्त बन जाते हैं और उसे पता चलता है कि वो उसकी कई रुचियों को सजा करती है। हालांकि उसे संदेह नहीं है कि पत्र वास्तव में टीना द्वारा लिखे गए थे। इस बीच राज के पिता देखते हैं कि राज टीना के प्यार में कितना गिर गया है और टीना से उसकी शादी तय कर देते हैं। टीना ये खबर सुनती है और तुरंत राज से प्यार करने लगती है। 2 सप्ताह के बाद राज और उसका परिवार लंदन लौट आए। कुछ ही समय बाद पूजा एक यूनिवर्सिटी के लिए इंटरव्यू देने के लिए लंदन पहुंचती है। वो वहां राज से मिलती है और उसे लंदन के दर्शनीय स्थल दिखाते हुए पत्रों के पीछे की सच्चाई का पता चलता है। पूजा राज के लिए अपनी भावनाओं को कबूल करती है और ये सभी को सच्चाई बताने के लिए भारत वापस जाने का संकल्प लेते हैं। हालांकि भाग्य हस्तक्षेप करता है और उनके आगमन पर उन्हें पता चलता है कि टीना के पिता की मृत्यु हो गई है। पूजा को एहसास होता है कि अगर उसने राज को उसके बारे में सबको बताया तो टीना कुचल जाएंगी, क्योंकि वो उसके पास कोई पिता या माँ नहीं है। पूजा क्यों करेगी? क्या वो दोस्ती के लिए अपने प्यार का बलिदान देगी? उनके सपनों का राजकुमार किसे मिलेगा, टीना या पूजा? अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का पूरा रिव्यू आ जाने कहा देखे से फ्री में।
यदि आप जिसे प्रेम करते थे वो वास्तव में वो ना हो जिसे आप प्रेम करते थे तो आप क्या करेंगे। यदि आपका सबसे अच्छा दोस्त उसे प्यार करता हो जिसे आप प्यार करते हैं तो आप क्या करेंगे। अगर आपको पता चले कि आपके सबसे अच्छे दोस्त आपके लिए अपना प्यार त्याग रहे हैं तो आप क्या करेंगे। राज पूजा और टीना से मिले, ये तीन सबसे अच्छे दोस्त हैं और उस समय परिस्थितियों में फंस गए। पात्र प्यार और अलगाव ने उनके लिए हालात पैदा कर दिए। एक दोस्त थी जो शिमला में सुरम्य पहाड़ी शहर में शुरू होती है और लंदन में खत्म होती है, या यूं कहे कि जारी रहती है। राज पूजा और टीना की तरह अपने मूल्यों में पारंपरिक फिर भी जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण और दृष्टिकोण में आधुनिक। हॉलीवुड के एक झलक बिल्लियों और कुत्तों के बारे में सच्चाई कुछ कुछ होता है का एक छोंक और कुछ हद तक साजन। बेशक इसमें हम आपके है कौन की झलक भी है, के3 जी का एक छोटा सा अंश भी। ये मुझसे दोस्ती करोगे का सारांश देता है जो पिछले महीने के समाचार पत्रों की तरह ताजा है। कई फिल्मों की खिचड़ी मुझसे दोस्ती करोगे मुख्य रूप से उस महत्वपूर्ण विभाग में प्रभावित होते हैं जो किसी भी फिल्म स्क्रिप्ट की जीवन रेखा होती है। फिल्म की कहानी पटकथा और संवादों का श्रेय लेने वाले निर्देशक कुणाल कोहली ने सफल फिल्मों से उधार लेकर आसान रास्ता चुना है और यही इसका नुकसान हो रहा है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नया या नवीन नहीं है जिस पर मुझसे दोस्ती करोगे दावा कर सके। एक ही लड़के से प्यार करने वाली दो सहेलियों की जो दिलचस्प प्रेम कहानी हो सकती थी वो स्क्रिप्ट में पूर्वानुमेयता के कारण खत्म हो जाती है। निरस होने के अलावा शायद ही कोई यादगार क्षण हो जिसे दर्शकों शो समाप्त होने के बाद घर ले जाए। पहले भाग में कुछ दिलचस्प क्षण है, ऋतिक और रानी के बीच संवाद और ऋतिक के शिमला लौटने के दृश्य को भी उजागर किया जा सकता है। निस्संदेह उन्हें अच्छी तरह से संभाला जाता है। कहानी तब तक सहज गति से आगे बढ़ती है जब तक ऋतिक को चर्च में सच्चाई का पता नहीं चल जाता, लेकिन दुर्भाग्य से फिल्म दूसरे भाग में पूरी तरीके से कमजोर हो जाती है। सीक्वेंस पूर्वानुमानित होने के साथ साथ लंबे है और कहानी इतनी खींची गई है कि दर्शक अधीर होने लगते है। इस बिंदु पर फिल्म भी काफी चर्चा में है। इसके अलावा चरमस्कर्ष रानी के माथे में अचानक सिंदूर गिरने के साथ शायद एक प्रेम त्रिकोण में देखा गया सबसे हास्यास्पद अंत है। इससे पहले चार लोगों ऋतिक रानी करीना और उदय से जुड़े अनुक्रम को परिपक्वता के साथ संभाला जा सकता था। निर्देशक कुणाल कोहली ने कुछ दृश्यों को संवेदनशीलता के साथ संभाला है, लेकिन आजमाई हुई और परखी हुई चीजों पर बहुत अधिक भरोसा किया है, इतना कि परिणाम कठिन है। तकनीकी रूप से कहे तो उनका शॉट निष्पादन बिल्कुल औसत दर्जे का है। कोई कैसे चाहेगा कि पुराने फिल्म निर्देशक आलोचक किसी भी बातों पर इतना अधीर भरोसा करने के बजाय अपनी पहली फिल्म के लिए कुछ नया और मौलिक लेकर आया होगा। फॉर्मूला युक्त वसी चीज। राहुल शर्मा का संगीत तक और दुखदाई मुद्दा है। यशराज फिल्म हमेशा से यादगार संगीत के लिए जाना जाता है, लेकिन इस मामले में जाने दिल में कब से हूँ तो छोड़कर फिल्म की कोई भी गाना जिक्र लायक नहीं है। उदाहरण के लिए पैरोडी इतनी लंबी है कि प्रभाव खत्म हो जाता है। दरअसल एक मजबूत संगीत स्कोर की कमी एक और कारक है जो फिल्म को नीचे ले जाती है। सिनेमाटोग्राफी ठीक ठाक है, संवाद उपयुक्त है, मुझसे दोस्ती करोगे स्पष्ट रूप से रानी मुखर्जी की है जिनकी तुलनात्मक रूप से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। अभिनेत्री उस भूमिका में शानदार है जो उन पर बिल्कुल फिट बैठती है। ऋतिक रोशन वही करते है जो वो अपनी पहली फिल्म के बाद से करते आ रहे है। आपकी प्रसिद्ध मुस्कान, डिजाइनर पोशाकों में आकर्षक दिखना और असाधारण रूप से अच्छा नृत्य, ये इसके बारे में। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। कैसी है ऋतिक रोशन, करीना कपूर और रानी मुखर्जी की फिल्म मुझसे दोस्ती करोगे। यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। मुझसे दोस्ती करोगे तीन बचपन के दोस्तों राज, टीना और पूजा की कहानी बताती है। जब ये सभी बच्चे हो गए तो राज और उसका परिवार लंदन जाने के लिए भारत छोड़ देते हैं।
लंदन जाने से पहले राज टीना और पूजा आखिरी बार मिलते हैं। इस मुलाकात के दौरान राज ने टीना से उसे लिखने के लिए कहा। टीना का मन कहीं और है और वो विचलित मन से सहमत है। पूजा भी राज को लिखना चाहती है, फिर भी राज की नजर केवल टीना पर है। जब राज का पहला ईमेल आता है तो टीना और पूजा उसे एक साथ पढ़ते हैं। पूजा टीना को वापस लिखने के लिए कहती है, लेकिन टीना को कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए पूजा टीना के नाम का उपयोग करके हस्ताक्षर करते हुए वापस लिखती है। पूजा अपने पात्रों के माध्यम से ये दिखावा करती रहती है कि वो टीना है और राज के साथ उसकी दोस्ती बढ़ती जा रही है। 15 साल बाद राज और उसका परिवार 2 सप्ताह की छुट्टियों के लिए भारत लौटे। पूजा टीना को पत्र के बारे में बताती है और टीना ये दिखावा करने के लिए सहमत हो जाती है कि उसने पत्र लिखे है। राज को टीना से बिना देखे ही प्यार हो गया है। 2 हफ्तों के दौरान राज टीना को अपने प्यार में फंसाने की कोशिश करता है, जैसे कि वो उसके प्यार में पड़ गया हो। पूजा को राज से प्यार हो गया है, लेकिन वो अपनी भावनाओं को अपने तक ही सीमित रखती है। राज को वो करीबी दोस्त बन जाते हैं और उसे पता चलता है कि वो उसकी कई रुचियों को सजा करती है। हालांकि उसे संदेह नहीं है कि पत्र वास्तव में टीना द्वारा लिखे गए थे। इस बीच राज के पिता देखते हैं कि राज टीना के प्यार में कितना गिर गया है और टीना से उसकी शादी तय कर देते हैं। टीना ये खबर सुनती है और तुरंत ही राज से प्यार करने लगती है। 2 सप्ताह के बाद राज और उसका परिवार लंदन लौट आए। कुछ ही समय बाद पूजा एक यूनिवर्सिटी के लिए इंटरव्यू देने के लिए लंदन पहुंचती है। वो वहां राज से मिलती है और उसे लंदन के दर्शनीय स्थल दिखाते हुए पत्रों के पीछे की सच्चाई का पता चलता है। पूजा राज के लिए अपनी भावनाओं को कबूल करती है और ये सभी को सच्चाई बताने के लिए भारत वापस जाने का संकल्प लेते हैं। हालांकि भाग्य हस्तक्षेप करता है और उनके आगमन पर उन्हें पता चलता है कि टीना के पिता की मृत्यु हो गई है। पूजा को एहसास होता है कि अगर उसने राज को उसके बारे में सबको बताया तो टीना कुचल जाएंगी, क्योंकि वो उसके पास कोई पिता या माँ नहीं है। पूजा क्यों करेगी? क्या वो दोस्ती के लिए अपने प्यार का बलिदान देगी? उनके सपनों का राजकुमार किसे मिलेगा, टीना या पूजा? अब बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। मुझसे दोस्ती करोगे? फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का पूरा रिव्यू आ जाने कहा देखे इसे फ्री में। यदि आप जिसे प्रेम करते थे वो वास्तव में वो ना हो जिससे आप प्रेम करते थे तो आप क्या करेंगे? यदि आपका सबसे अच्छा दोस्त उसे प्यार करता हो जिससे आप प्यार करते हैं तो आप क्या करेंगे? अगर आपको पता चले कि आपके सबसे अच्छे दोस्त आपके लिए अपना प्यार त्याग रहे हैं तो आप क्या करेंगे? राज पूजा और टीना से मिले, ये 3 सबसे अच्छे दोस्त हैं और उस समय परिस्थितियों में फंस गए पात्र प्यार और अलगाव ने उनके लिए हालात पैदा कर दिए। एक दोस्ती जो शिमला में सुरम्य पहाड़ी शहर में शुरू होती है और लंदन में खत्म होती है, या यूं कहे कि जारी रहती है। राज पूजा और टीना की तरह अपने मूल्यों में पारंपरिक फिर भी जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण और दृष्टिकोण में आधुनिक हॉलीवुड की एक झलक बिल्लियों और कुत्तों के बारे में सच्चाई कुछ कुछ होता है का एक छोंक और कुछ हद तक साजन। बेशक इसमें हम आपके हैं कौन की झलक भी है, K3G का एक छोटा सा अंश भी ये मुझसे दोस्ती करोगे का सारांश देता है, जो पिछले महीने के समाचार पत्रों की तरह ताजा है। कई फिल्मों की खिचड़ी मुझसे दोस्ती करोगे मुख्य रूप से उस महत्वपूर्ण विभाग में प्रभावित होते हैं जो किसी भी फिल्म स्क्रिप्ट की जीवन रेखा होती है। फिल्म की कहानी, पटकथा, संवादों का श्रेय लेने वाले निर्देशक कुणाल कोहली ने सफल फिल्मों से उधार लेकर आसान रास्ता चुना है और यही इसका नुकसान हो रहा है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नया या नवीन नहीं है जिस पर मुझसे दोस्ती करोगे दावा कर सके। एक ही लड़के से प्यार करने वाली 2 सहेलियों की जो दिलचस्प प्रेम कहानी हो सकती थी वो स्क्रिप्ट में पूर्वानुमेयता के कारण खत्म हो जाती है। निरस होने के अलावा शायद ही कोई यादगार क्षण हो जिसे दर्शकों शो समाप्त होने के बाद घर ले जाए। पहले भाग में कुछ दिलचस्प क्षण है, ऋतिक और रानी के बीच संवाद और ऋतिक के शिमला लौटने के दृश्य को भी उजागर किया जा सकता है। निस्संदेह उन्हें
अच्छी तरह से संभाला जाता है। कहानी तब तक सहज गति से आगे बढ़ती है जब तक ऋतिक को चर्च में सच्चाई का पता नहीं चल जाता, लेकिन दुर्भाग्य से फिल्म दूसरे भाग में पूरी तरीके से कमजोर हो जाती है। सीक्वेंस पूर्वानुमानित होने के साथ साथ लंबे है और कहानी इतनी खींची गई है कि दर्शक अधीर होने लगते हैं। इस बिंदु पर फिल्म भी काफी चर्चा में है। इसके अलावा चनमस्कर्ष रानी के माथे में अचानक सिंदूर गिरने के साथ शायद एक प्रेम त्रिकोण में देखा गया सबसे हास्यास्पद अंत है। इससे पहले चार लोगों ऋतिक, रानी, करीना और उदय से जुड़े अनुक्रम को परिपक्वता के साथ संभाला जा सकता था। निर्देशक कुणाल कोहली ने कुछ दृश्यों को संवेदनशीलता के साथ संभाला है, लेकिन आजमाई हुई और परखी हुई चीजों पर बहुत अधिक भरोसा किया है, इतना कि परिणाम कठिन है। तकनीकी रूप से कहे तो उनका शॉट निष्पादन बिल्कुल औसत दर्जे का है। कोई कैसे चाहेगा कि पुराने फिल्म निर्देशक आलोचक किसी भी बातों पर इतना अधीर भरोसा करने के बजाय अपनी पहली फिल्म के लिए कुछ नया और मौलिक लेकर आया होगा। फॉर्मूला युक्त वसी चीज। राहुल शर्मा का संगीत तक और दुखदाई मुद्दा है। यशराज फिल्म्स हमेशा से यादगार संगीत के लिए जाना जाता है, लेकिन इस मामले में जाने दिल में कब से हूँ तो छोड़कर फिल्म की कोई भी गाना जिक्र लायक नहीं है। उदाहरण के लिए पैरोडी इतनी लंबी है कि प्रभाव खत्म हो जाता है। दरअसल एक मजबूत संगीत स्कोर की कमी एक और कारक है जो फिल्म को नीचे ले जाती है। सिनेमाटोग्राफी ठीक ठाक है, संवाद उपयुक्त है, मुझसे दोस्ती करोगे स्पष्ट रूप से रानी मुखर्जी की है, जिनकी तुलनात्मक रूप से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। अभिनेत्री उस भूमिका में शानदार है जो उन पर बिल्कुल फिट बैठती है। ऋतिक रोशन वही करते हैं जो वो अपनी पहली फिल्म के बाद से करते आ रहे हैं। आपकी प्रसिद्ध मुस्कान, डिजाइनर पोशाकों में आकर्षक दिखना और असाधारण रूप से अच्छा नृत्य, ये इसके बारे में। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। कैसी है ऋतिक रोशन, करीना कपूर और रानी मुखर्जी की फिल्म मुझसे दोस्ती करोगे। यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। मुझसे दोस्ती करोगे तीन बचपन के दोस्तों राज, टीना और पूजा की कहानी बताती है। जब ये सभी बच्चे हो गए तो राज और उसका परिवार लंदन जाने के लिए भारत छोड़ देते हैं। लंदन जाने से पहले राज, टीना और पूजा आखिरी बार मिलते हैं। इस मुलाकात के दौरान राज ने टीना से उसे लिखने के लिए कहा। टीना का मन कहीं और है और वो विचलित मन से सहमत है। पूजा भी राज को लिखना चाहती है, फिर भी राज की नजर केवल टीना पर है। जब राज का पहला ईमेल आता है तो टीना और पूजा उसे एक साथ पढ़ते हैं। पूजा टीना को वापस लिखने के लिए कहती है, लेकिन टीना को कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए पूजा टीना के नाम का उपयोग करके हस्ताक्षर करते हुए वापस लिखती है। पूजा अपने पात्रों के माध्यम से ये दिखावा करती रहती है कि वो टीना है और राज के साथ उसकी दोस्ती बढ़ती जा रही है। 15 साल बाद राज और उसका परिवार 2 सप्ताह की छुट्टियों के लिए भारत लौटे। पूजा टीना को पत्र के बारे में बताती है और टीना ये दिखावा करने के लिए सहमत हो जाती है कि उसने पत्र लिखे है। राज को टीना से बिना देखे ही प्यार हो गया है। 2 हफ्तों के दौरान राज टीना को अपने प्यार में फंसाने की कोशिश करता है, जैसे कि वो उसके प्यार में पड़ गया हो। पूजा को राज से प्यार हो गया है, लेकिन वो अपनी भावनाओं को अपने तक ही सीमित रखती है। राज को वो करीबी दोस्त बन जाते हैं और उसे पता चलता है कि वो उसकी कई रुचियों को सजा करती है। हालांकि उसे संदेह नहीं है कि पत्र वास्तव में टीना द्वारा लिखे गए थे। इस बीच राज के पिता देखते हैं कि राज टीना के प्यार में कितना गिर गया है और टीना से उसकी शादी तय कर देते हैं। टीना ये खबर सुनती है और तुरंत ही राज से प्यार करने लगती है। 2 सप्ताह के बाद राज और उसका परिवार लंदन लौट आए। कुछ ही समय बाद पूजा एक यूनिवर्सिटी के लिए इंटरव्यू देने के लिए लंदन पहुंचती है। वो वहां राज से मिलती है और उसे लंदन के दर्शनीय स्थल दिखाते हुए पत्रों के पीछे की सच्चाई का पता चलता है। पूजा राज के लिए अपनी भावनाओं को कबूल करती है और ये सभी को सच्चाई बताने के लिए भारत वापस जाने का संकल्प लेते हैं। हालांकि भाग्य हस्तक्षेप करता है और उनके आगमन पर उन्हें पता चलता है कि टीना के पिता की मृत्यु हो गई है। पूजा को एहसास होता है कि अगर उसने राज को उसके बारे में सबको बताया तो टीना कुचल जाएंगी, क्योंकि वो उसके पास कोई पिता या माँ नहीं है। पूजा क्यों करेगी,
क्या वो दोस्ती के लिए अपने प्यार का बलिदान देगी? उनके सपनों का राजकुमार किसे मिलेगा, टीना या पूजा? अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का पूरा रिव्यू आ जाने कहा देखे इसे फ्री में। यदि आप जिसे प्रेम करते थे वो वास्तव में वो ना हो जिससे आप प्रेम करते थे तो आप क्या करेंगे? यदि आपका सबसे अच्छा दोस्त उसे प्यार करता हो जिससे आप प्यार करते हैं तो आप क्या करेंगे? अगर आपको पता चले कि आपके सबसे अच्छे दोस्त आपके लिए अपना प्यार त्याग रहे हैं तो आप क्या करेंगे? राज, पूजा और टीना से मिले, ये तीन सबसे अच्छे दोस्त हैं और उस समय परिस्थितियों में फंस गए पात्र प्यार और अलगाव ने उनके लिए हालात पैदा कर दिए। एक दोस्ती जो शिमला में सुरम्य पहाड़ी शहर में शुरू होती है और लंदन में खत्म होती है, या यूं कहे कि जारी रहती है। राज, पूजा और टीना की तरह अपने मूल्यों में पारंपरिक फिर भी जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण और दृष्टिकोण में आधुनिक हॉलीवुड के एक झलक बिल्लियों और कुत्तों के बारे में सच्चाई कुछ कुछ होता है का एक छोंक और कुछ हद तक साजन। बेशक इसमें हम आपके है कौन की झलक भी है, के3 जी का एक छोटा सा अंश भी, ये मुझसे दोस्ती करोगे का सारांश देता है जो पिछले महीने के समाचार पत्रों की तरह ताजा है। कई फिल्मों की खिचड़ी मुझसे दोस्ती करोगे मुख्य रूप से उस महत्वपूर्ण विभाग में प्रभावित होते हैं जो किसी भी फिल्म स्क्रिप्ट की जीवन रेखा होती है। फिल्म की कहानी, पटकथा, संवादों का श्रेय लेने वाले निर्देशक कुणाल कोहली ने सफल फिल्मों से उधार लेकर आसान रास्ता चुना है और यही इसका नुकसान हो रहा है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नया या नवीन नहीं है जिस पर मुझसे दोस्ती करोगे दावा कर सके। एक ही लड़के से प्यार करने वाली दो सहेलियों की जो दिलचस्प प्रेम कहानी हो सकती थी वो स्क्रिप्ट में पूर्वानुमेयता के कारण खत्म हो जाती है। निरस होने के अलावा शायद ही कोई यादगार क्षण हो जिसे दर्शकों शो समाप्त होने के बाद घर ले जाए। पहले भाग में कुछ दिलचस्प क्षण है, ऋतिक और रानी के बीच संवाद और ऋतिक के शिमला लौटने के दृश्य को भी उजागर किया जा सकता है। निस्संदेह उन्हें अच्छी तरह से संभाला जाता है। कहानी तब तक सहज गति से आगे बढ़ती है जब तक ऋतिक को चर्च में सच्चाई का पता नहीं चल जाता, लेकिन दुर्भाग्य से फिल्म दूसरे भाग में पूरी तरीके से कमजोर हो जाती है। सीक्वेंस पूर्वानुमानित होने के साथ साथ लंबे है और कहानी इतनी खींची गई है कि दर्शक अधीर होने लगते हैं। इस बिंदु पर फिल्म भी काफी चर्चा में है। इसके अलावा चनमस्कर्ष रानी के माथे में अचानक सिंदूर गिरने के साथ शायद एक प्रेम त्रिकोण में देखा गया सबसे हास्यास्पद अंत है। इससे पहले चार लोगों ऋतिक, रानी, करीना और उदय से जुड़े अनुक्रम को परिपक्वता के साथ संभाला जा सकता था। निर्देशक कुणाल कोहली ने कुछ दृश्यों को संवेदनशीलता के साथ संभाला है, लेकिन आजमाई हुई और परखी हुई चीजों पर बहुत अधिक भरोसा किया है, इतना कि परिणाम कठिन है। तकनीकी रूप से कहे तो उनका शॉट निष्पादन बिल्कुल औसत दर्जे का है। कोई कैसे चाहेगा कि पुराने फिल्म निर्देशक आलोचक किसी भी बातों पर इतना अधीर भरोसा करने के बजाय अपनी पहली फिल्म के लिए कुछ नया और मौलिक लेकर आया होगा। फॉर्मूला युक्त वसी चीज, राहुल शर्मा का संगीत तक और दुखदाई मुद्दा है। यशराज फिल्म्स हमेशा से यादगार संगीत के लिए जाना जाता है, लेकिन इस मामले में जाने दिल में कब से हूँ तो छोड़कर फिल्म की कोई भी गाना जिक्र लायक नहीं है। उदाहरण के लिए पैरोडी इतनी लंबी है कि प्रभाव खत्म हो जाता है। दरअसल एक मजबूत संगीत स्कोर की कमी एक और कारक है जो फिल्म को नीचे ले जाती है। सिनेमाटोग्राफी ठीक ठाक है, संवाद उपयुक्त है, मुझसे दोस्ती करोगे स्पष्ट रूप से रानी मुखर्जी की है जिनकी तुलनात्मक रूप से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। अभिनेत्री उस भूमिका में शानदार है जो उन पर बिल्कुल फिट बैठती है। ऋतिक रोशन वही करते हैं जो वो अपनी पहली फिल्म के बाद से करते आ रहे हैं। आपकी प्रसिद्ध मुस्कान, डिजाइनर पोशाकों में आकर्षक दिखना और असाधारण रूप से अच्छा नृत्य, ये इसके बारे में। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म
प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं। अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। कैसी है ऋतिक रोशन, करीना कपूर और रानी मुखर्जी की फिल्म मुझसे दोस्ती करोगे? यह जाने फिल्म का रिव्यू अजाने कहा देखी से फ्री में। मुझसे दोस्ती करोगे तीन बचपन के दोस्तों राज, टीना और पूजा की कहानी बताती है। जब ये सभी बच्चे हो गए तो राज और उसका परिवार लंदन जाने के लिए भारत छोड़ देते हैं। लंदन जाने से पहले राज, टीना और पूजा आखिरी बार मिलते हैं। इस मुलाकात के दौरान राज ने टीना से उसे लिखने के लिए कहा। टीना का मन कहीं और है और वो विचलित मन से सहमत है। पूजा भी राज को लिखना चाहती है, फिर भी राज की नजर केवल टीना पर है। जब राज का पहला ईमेल आता है तो टीना और पूजा उसे एक साथ पढ़ते हैं। पूजा टीना को वापस लिखने के लिए कहती है, लेकिन टीना को कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए पूजा टीना के नाम का उपयोग करके हस्ताक्षर करते हुए वापस लिखती है। पूजा अपने पात्रों के माध्यम से ये दिखावा करती रहती है कि वो टीना है और राज के साथ उसकी दोस्ती बढ़ती जा रही है। 15 साल बाद राज और उसका परिवार 2 सप्ताह की छुट्टियों के लिए भारत लौटे। पूजा टीना को पत्र के बारे में बताती है और टीना ये दिखावा करने के लिए सहमत हो जाती है कि उसने पत्र लिखे है। राज को टीना से बिना देखे ही प्यार हो गया है। 2 हफ्तों के दौरान राज टीना को अपने प्यार में फंसाने की कोशिश करता है, जैसे कि वो उसके प्यार में पड़ गया हो। पूजा को राज से प्यार हो गया है, लेकिन वो अपनी भावनाओं को अपने तक ही सीमित रखती है। राज को वो करीबी दोस्त बन जाते हैं और उसे पता चलता है कि वो उसकी कई रुचियों को सजा करती है। हालांकि उसे संदेह नहीं है कि पत्र वास्तव में टीना द्वारा लिखे गए थे। इस बीच राज के पिता देखते हैं कि राज टीना के प्यार में कितना गिर गया है और टीना से उसकी शादी तय कर देते हैं। टीना ये खबर सुनती है और तुरंत ही राज से प्यार करने लगती है। 2 सप्ताह के बाद राज और उसका परिवार लंदन लौट आए। कुछ ही समय बाद पूजा एक यूनिवर्सिटी के लिए इंटरव्यू देने के लिए लंदन पहुंचती है। वो वहां राज से मिलती है और उसे लंदन के दर्शनीय स्थल दिखाते हुए पत्रों के पीछे की सच्चाई का पता चलता है। पूजा राज के लिए अपनी भावनाओं को कबूल करती है और ये सभी को सच्चाई बताने के लिए भारत वापस जाने का संकल्प लेते हैं। हालांकि भाग्य हस्तक्षेप करता है और उनके आगमन पर उन्हें पता चलता है कि टीना के पिता की मृत्यु हो गई है। पूजा को एहसास होता है कि अगर उसने राज को उसके बारे में सबको बताया तो टीना कुचल जाएंगी, क्योंकि वो उसके पास कोई पिता या माँ नहीं है। पूजा क्यों करेगी? क्या वो दोस्ती के लिए अपने प्यार का बलिदान देगी? उनके सपनों का राजकुमार किसे मिलेगा, टीना या पूजा? अब बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं। अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म का पूरा रिव्यू अजाने कहा देखे से फ्री में। यदि आप जिसे प्रेम करते थे वो वास्तव में वो ना हो जिससे आप प्रेम करते थे तो आप क्या करेंगे? यदि आपका सबसे अच्छा दोस्त उसे प्यार करता हो जिससे आप प्यार करते हैं तो आप क्या करेंगे? अगर आपको पता चले कि आपके सबसे अच्छे दोस्त आपके लिए अपना प्यार त्याग रहे हैं तो आप क्या करेंगे? राज, पूजा और टीना से मिले, ये तीन सबसे अच्छे दोस्त हैं और उस समय परिस्थितियों में फंस गए। पात्र प्यार और अलगाव ने उनके लिए हालात पैदा कर दिए। एक दोस्ती जो शिमला में सुरम्य पहाड़ी शहर में शुरू होती है और लंदन में खत्म होती है, या यूं कहे कि जारी रहती है। राज, पूजा और टीना की तरह अपने मूल्यों में पारंपरिक फिर भी जीवन के प्रति अपनी दृष्टिकोण और दृष्टिकोण में आधुनिक। हॉलीवुड की एक झलक बिल्लियों और कुत्तों के बारे में सच्चाई, कुछ कुछ होता है का एक छोंक और कुछ हद तक साजन। बेशक इसमें हम आपके हैं कौन की झलक भी है, K3G का एक छोटा सा अंश भी, ये मुझसे दोस्ती करोगे का सारांश देता है जो पिछले महीने के समाचार पत्रों की तरह ताजा है। कई फिल्मों की खिचड़ी मुझसे दोस्ती करोगे मुख्य रूप से उस महत्वपूर्ण विभाग में प्रभावित होते हैं जो किसी भी फिल्म स्क्रिप्ट की जीवन रेखा होती है। फिल्म की कहानी, पटकथा, संवादों का श्रेय लेने वाले निर्देशक कुणाल कोहली ने सफल फिल्मों से उधार लेकर आसान रास्ता चुना है और यही इसका नुकसान हो रहा है, क्योंकि इसमें
ऐसा कुछ भी नया या नवीन नहीं है जिस पर मुझसे दोस्ती करोगे दावा कर सके। एक ही लड़के से प्यार करने वाली दो सहेलियों की जो दिलचस्प प्रेम कहानी हो सकती थी वो स्क्रिप्ट में पूर्वानुमेयता के कारण खत्म हो जाती है। निडर सोने के अलावा शायद ही कोई यादगार क्षण हो जिसे दर्शकों शो समाप्त होने के बाद घर ले जाए। पहले भाग में कुछ दिलचस्प क्षण है। ऋतिक और रानी के बीच संवाद और ऋतिक के शिमला लौटने के दृश्य को भी उजागर किया जा सकता है। निस्संदेह उन्हें अच्छी तरह से संभाला जाता है। कहानी तब तक सहज गति से आगे बढ़ती है जब तक ऋतिक को चर्च में सच्चाई का पता नहीं चल जाता, लेकिन दुर्भाग्य से फिल्म दूसरे भाग में पूरी तरीके से कमजोर हो जाती है। सीक्वेंस पूर्वानुमानित होने के साथ साथ लंबे है और कहानी इतनी खींची गई है कि दर्शक अधीर होने लगते हैं। इस बिंदु पर फिल्म भी काफी चर्चा में है। इसके अलावा चरमस्कर्ष रानी के माथे में अचानक सिंदूर गिरने के साथ शायद एक प्रेम त्रिकोण में देखा गया सबसे हास्यास्पद अंत है। इससे पहले चार लोगों ऋतिक रानी करीना और उदय से जुड़े अनुक्रम को परिपक्वता के साथ संभाला जा सकता था। निर्देशक कुणाल कोहली ने कुछ दृश्यों को संवेदनशीलता के साथ संभाला है, लेकिन आजमाई हुई और परखी हुई चीजों पर बहुत अधिक भरोसा किया है, इतना कि परिणाम कठिन है। तकनीकी रूप से कहे तो उनका शॉट निष्पादन बिल्कुल औसत दर्जे का है। कोई कैसे चाहेगा कि पुराने फिल्म निर्देशक आलोचक किसी भी बातों पर इतना अधीर भरोसा करने के बजाय अपनी पहली फिल्म के लिए कुछ नया और मौलिक लेकर आया होगा। फॉर्मूला युक्त वसी चीज। राहुल शर्मा का संगीत तक और दुखदाई मुद्दा है। यशराज फिल्म हमेशा से यादगार संगीत के लिए जाना जाता है, लेकिन इस मामले में जाने दिल में कब से हूँ तो छोड़कर फिल्म की कोई भी गाना जिक्र लायक नहीं है। उदाहरण के लिए पैरोडी इतनी लंबी है कि प्रभाव खत्म हो जाता है। दरअसल एक मजबूत संगीत स्कोर की कमी एक और कारक है जो फिल्म को नीचे ले जाती है। सिनेमाटोग्राफी ठीक ठाक है, संवाद उपयुक्त है, मुझसे दोस्ती करोगे स्पष्ट रूप से रानी मुखर्जी की है जिनकी तुलनात्मक रूप से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। अभिनेत्री उस भूमिका में शानदार है जो उन पर बिल्कुल फिट बैठती है। ऋतिक रोशन वही करते हैं जो वो अपनी पहली फिल्म के बाद से करते आ रहे हैं। आपकी प्रसिद्ध मुस्कान, डिजाइनर पोशाकों में आकर्षक दिखना और असाधारण रूप से अच्छा नृत्य, ये इसके बारे में। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। कैसी है ऋतिक रोशन, करीना कपूर और रानी मुखर्जी की फिल्म मुझसे दोस्ती करोगे? यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू अजाने कहा देखे से फ्री में। मुझसे दोस्ती करोगे तीन बचपन के दोस्तों राज, टीना और पूजा की कहानी बताती है। जब ये सभी बच्चे हो गए तो राज और उसका परिवार लंदन जाने के लिए भारत छोड़ देते हैं। लंदन जाने से पहले राज, टीना और पूजा आखिरी बार मिलते हैं। इस मुलाकात के दौरान राज ने टीना से उसे लिखने के लिए कहा। टीना का मन कहीं और है और वो विचलित मन से सहमत है। पूजा भी राज को लिखना चाहती है, फिर भी राज की नजर केवल टीना पर है। जब राज का पहला ईमेल आता है तो टीना और पूजा उसे एक साथ पढ़ते हैं। पूजा टीना को वापस लिखने के लिए कहती है, लेकिन टीना को कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए पूजा टीना के नाम का उपयोग करके हस्ताक्षर करते हुए वापस लिखती है। पूजा अपने पात्रों के माध्यम से ये दिखावा करती रहती है कि वो टीना है और राज के साथ उसकी दोस्ती बढ़ती जा रही है। 15 साल बाद राज और उसका परिवार 2 सप्ताह की छुट्टियों के लिए भारत लौटे। पूजा टीना को पत्र के बारे में बताती है और टीना ये दिखावा करने के लिए सहमत हो जाती है कि उसने पत्र लिखे है। राज को टीना से बिना देखे ही प्यार हो गया है। 2 हफ्तों के दौरान राज टीना को अपने प्यार में फंसाने की कोशिश करता है, जैसे कि वो उसके प्यार में पड़ गया हो। पूजा को राज से प्यार हो गया है, लेकिन वो अपनी भावनाओं को अपने तक ही सीमित रखती है। राज को वो करीबी दोस्त बन जाते हैं और उसे पता चलता है कि वो उसकी कई रुचियों को सजा करती है। हालांकि उसे संदेह नहीं है कि पत्र वास्तव में टीना द्वारा लिखे गए थे। इस बीच राज के पिता देखते हैं कि राज टीना के प्यार में कितना गिर गया है और टीना से उसकी शादी तय कर देते हैं।
टीना ये खबर सुनती है और तुरंत ही राज से प्यार करने लगती है। दो सप्ताह के बाद राज और उसका परिवार लंदन लौट आए। कुछ ही समय बाद पूजा एक यूनिवर्सिटी के लिए इंटरव्यू देने के लिए लंदन पहुंचती है। वो वहां राज से मिलती है और उसे लंदन के दर्शनीय स्थल दिखाते हुए पत्रों के पीछे की सच्चाई का पता चलता है। पूजा राज के लिए अपनी भावनाओं को कबूल करती है और ये सभी को सच्चाई बताने के लिए भारत वापस जाने का संकल्प लेते हैं। हालांकि भाग्या हस्तक्षेप करता है और उनके आगमन पर उन्हें पता चलता है कि टीना के पिता की मृत्यु हो गई है। पूजा को एहसास होता है कि अगर उसने राज को उसके बारे में सबको बताया तो टीना कुचल जाएंगी, क्योंकि वो उसके पास कोई पिता या माँ नहीं है। पूजा क्यों करेगी? क्या वो दोस्ती के लिए अपने प्यार का बलिदान देगी? उनके सपनों का राजकुमार किसे मिलेगा, टीना या पूजा? अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का पूरा रिव्यू आ जाने कहा देखे इसे फ्री में। यदि आप जिसे प्रेम करते थे वो वास्तव में वो ना हो जिससे आप प्रेम करते थे तो आप क्या करेंगे? यदि आपका सबसे अच्छा दोस्त उसे प्यार करता हो जिससे आप प्यार करते हैं तो आप क्या करेंगे? अगर आपको पता चले कि आपके सबसे अच्छे दोस्त आपके लिए अपना प्यार त्याग रहे हैं तो आप क्या करेंगे? राज पूजा और टीना से मिले, ये तीन सबसे अच्छे दोस्त हैं और उस समय परिस्थितियों में फंस गए पात्र प्यार और अलगाव ने उनके लिए हालात पैदा कर दिए। एक दोस्ती जो शिमला में सुरम्य पहाड़ी शहर में शुरू होती है और लंदन में खत्म होती है, या यूं कहे कि जारी रहती है। राज पूजा और टीना की तरह अपने मूल्यों में पारंपरिक फिर भी जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण और दृष्टिकोण में आधुनिक हॉलीवुड की एक झलक बिल्लियों और कुत्तों के बारे में सच्चाई कुछ कुछ होता है का एक छोंक और कुछ हद तक साजन। बेशक इसमें हम आपके हैं कौन की झलक भी है, के3G का एक छोटा सा अंश भी ये मुझसे दोस्ती करोगे का सारांश देता है जो पिछले महीने के समाचार पत्रों की तरह ताजा है। कई फिल्मों की खिचड़ी मुझसे दोस्ती करोगे मुख्य रूप से उस महत्वपूर्ण विभाग में प्रभावित होते हैं जो किसी भी फिल्म स्क्रिप्ट की जीवन रेखा होती है। फिल्म की कहानी पटकथा संवादों का श्रेय लेने वाले निर्देशक कुणाल कोहली ने सफल फिल्मों से उधार लेकर आसान रास्ता चुना है और यही इसका नुकसान हो रहा है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नया या नवीन नहीं है जिस पर मुझसे दोस्ती करोगे दावा कर सके। एक ही लड़के से प्यार करने वाली दो सहेलियों की जो दिलचस्प प्रेम कहानी हो सकती थी वो स्क्रिप्ट में पूर्वानुमेयता के कारण खत्म हो जाती है। निरस होने के अलावा शायद ही कोई यादगार क्षण हो जिसे दर्शकों शो समाप्त होने के बाद घर ले जाए। पहले भाग में कुछ दिलचस्प क्षण है, ऋतिक और रानी के बीच संवाद और ऋतिक के शिमला लौटने के दृश्य को भी उजागर किया जा सकता है। निस्संदेह उन्हें अच्छी तरह से संभाला जाता है। कहानी तब तक सहज गति से आगे बढ़ती है जब तक ऋतिक को चर्च में सच्चाई का पता नहीं चल जाता, लेकिन दुर्भाग्य से फिल्म दूसरे भाग में पूरी तरीके से कमजोर हो जाती है। सीक्वेंस पूर्वानुमानित होने के साथ साथ लंबे हैं और कहानी इतनी खींची गई है कि दर्शक अधीर होने लगते हैं। इस बिंदु पर फिल्म भी काफी चर्चा में है। इसके अलावा चनमस्कर्ष रानी के माथे में अचानक सिंदूर गिरने के साथ शायद एक प्रेम त्रिकोण में देखा गया सबसे हास्यास्पद अंत है। इससे पहले चार लोगों ऋतिक रानी करीना और उदय से जुड़े अनुक्रम को परिपक्वता के साथ संभाला जा सकता था। निर्देशक कुणाल कोहली ने कुछ दृश्यों को संवेदनशीलता के साथ संभाला है, लेकिन आजमाई हुई और परखी हुई चीजों पर बहुत अधिक भरोसा किया है, इतना कि परिणाम कठिन है। तकनीकी रूप से कहे तो उनका शॉट निष्पादन बिल्कुल औसत दर्जे का है। कोई कैसे चाहेगा कि पुराने फिल्म निर्देशक आलोचक किसी भी बातों पर इतना अधीर भरोसा करने के बजाय अपनी पहली फिल्म के लिए कुछ नया और मौलिक लेकर आया होगा। फॉर्मूला युक्त वसी चीज। राहुल शर्मा का संगीत तक और दुखदाई मुद्दा है। यशराज फिल्म हमेशा से यादगार संगीत के लिए जाना जाता है, लेकिन इस मामले में जाने दिल में कब से हूँ तो
तो छोड़कर फिल्म की कोई भी गाना जिक्र लायक नहीं है। उदाहरण के लिए पैरोडी इतनी लंबी है कि प्रभाव खत्म हो जाता है। दरअसल एक मजबूत संगीत स्कोर की कमी एक और कारक है जो फिल्म को नीचे ले जाती है। सिनेमाटोग्राफी ठीक ठाक है, संवाद उपयुक्त है, मुझसे दोस्ती करोगे स्पष्ट रूप से रानी मुखर्जी की है, जिनकी तुलनात्मक रूप से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। अभिनेत्री उस भूमिका में शानदार है जो उन पर बिल्कुल फिट बैठती है। ऋतिक रोशन वही करते हैं जो वो अपनी पहली फिल्म के बाद से करते आ रहे हैं। आपकी प्रसिद्ध मुस्कान, डिजाइनर पोशाकों में आकर्षक दिखना और असाधारण रूप से अच्छा नृत्य, ये इसके बारे में। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है।